नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई न्यूज़ सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, यहाँ तैयारी करने का मतलब है यूपी पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी की तैयारी में व्यस्त। 14 तारीख को पेपर है मित्रों, और इस क्रम में हम लोग जीएस का जो पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का जो है मॉडल पेपर देख रहे हैं। और ये मॉडल पेपर जो अपना है ये मॉडल पेपर 2 है, इससे पहले पहला हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सभी का विस्तार पूर्वक आंसर दिया जाता है, आराम से देखना, तैयारी अच्छी हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो री एग्ज़ाम या फिर अन्य कोई एक दिवसीय परीक्षक तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पता चले कैसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं यहाँ पर। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित अभिलेखों को उनके संबंधित राजा या फिर विषय के गलत युग्म की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया। ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो नहीं के क्रम में होंगे, इसलिए अच्छे से समझना फिर आंसर्स देना। क्वेश्चंस कह रहा है पतड़कल अभिलेख महेंद्र वर्मन वाला है, हरहा अभिलेख मौखारी वंश वाला है, जलघाट अभिलेख बौद्ध धर्म का है, और जो है कैथरोड लेख जो है विक्रमादित्य श्रेष्ठ का है। मित्रों, आप जब देखेंगे तो जो ये पतड़कल अभिलेख है, ये जो बादामी आपका कर्नाटका वाला बेल्ट होता है वहाँ पर चालुक्य शासक राजा करते हैं, चालुक्य। तो चालुक्य वंश के शासक रहे हैं विक्रमादित्य और उनकी पत्नी रही हैं लोक महादेवी। तो लोक महादेवी का है, महेंद्र वर्मन का नहीं है। तो यही आपका गलत युग्म हो गया। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, बाकी सभी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चंस का लेबल आप देख सकते हैं क्या है, हल्के लेबल का नहीं। अगला क्वेश्चंस कह रहा है एक साथ 2 फसल उगाने के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं, नाम कालीबंगा, अलहाद दीनों, पिराक और ए और बी दोनों दिया गया है। ज़्यादातर मामले में ऐसा ऑप्शंस जो है डी के साथ ही बनता है, दोनों ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं। जो ये पिराक है मित्रों, ये आपका बलूच वाला बेल्ट होता है, यानी बलूचिस्तान वाला होता है, चिस्तान वाला होता है। और जो कालीबंगा है, कालीबंगा तो आप जानते हैं भारत वाला है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 3 नंबर क्वेश्चंस, वैदिक शब्दावली और उनके अर्थ का गलत युग्म की पहचान कीजिए। आपको गलत युग्म बताना है। अमांजू को अंगूठी कहा जाता था और गोधर्न को जो है आतिथि कहा जाता था, पायस को दूध कहा जाता था और कैसे को रेशमी वस्त्र कहा जाता था। मित्रों, अमांजू जो है ये ब्रह्मचारी रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था। अमांजू जो है ब्रह्मचारी रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था। अंगूठी के लिए खदी शब्द का उल्लेख हुआ है। क्या? खदी शब्द, याद रखना। तो खदी किसके लिए हुआ है? अंगूठी के लिए हुआ है। और अमाजू जो है सदा ब्रह्मचारी रहने वाले के लिए हुआ है। तो यहाँ गलत युग्म पहचानना था आपका, फर्स्ट आंसर होगा, बाकी सही सही है। ठीक है, सभी ऑप्शंस बाकी सही हैं, पायस दूध को ही कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर है। पूछा गया इनमें से कौन सा स्थल युग्म दक्षिण भारत में आयोजित किए गए संगम से संबंधित है, नाम दिया गया नागार्जुन कोड मदुरई वाला, कटाप्पुरम नागार्जुनीय कोड वाला, मदुरई कपाट्टपुरम और जो है अलावे सिल्वम का नाम दिया गया। कौन सा स्थल है जो दक्षिण भारत में आयोजित किए गए संगम से संबंधित है? मित्रों, आप जानते हैं दक्षिण भारत में मदुरई जो है ये कपाट्टपुरम वाला बेल्ट होता है, ये दक्षिण भारत का तमिल साहित्य वाला बेल्ट होता है। ठीक है, तो सही जवाब यही लगा लो। पांड्य राजाओं के संरक्षण में यहाँ पर आयोजित हुआ था। कौन सा राजा? पांडे राजाओं के संरक्षण में। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 5 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है किसने कहा कि सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया परंतु भारत अपरिवर्तित रहा, नाम विंसेंट स्मिथ का है, सर विलियम जोन्स का है, कर्नल टाड का है और ए एल बोशम का नाम दिया गया है। सिकंदर आंधी की तरह आया और चला गया, भारत अपरिवर्तित रहा, यह कथन किसका है? मित्रों, ये देखना, तो विंसेंट स्मिथ का है सही जवाब फर्स्ट के साथ। सिकंदर आप जानते हैं यूनान का निवासी था, यूनान का, छोटी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूनान का निवासी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक किस लेखक से संबंधित है, नाम दिया गया टालमी, हेलियोडोरस,
प्लिनी और जो है उपेंद्र कौर का नाम दिया गया। सही जवाब जो है नेचुरल हिस्टोरिका के लिए आपको प्लिनी का आंसर लगाना होगा। आप जानते हैं 77 ईस्वी में जो है प्लिनी ने लैटिन भाषा में लिखा है इसको। किस भाषा में? लैटिन भाषा में। ठीक है, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है गुप्तकालीन राजवंश वाकाटक। वाकाटक भारतीय जो है वर्तमान में भारत के कौन से क्षेत्र में राज्य करते थे? नाम महाराष्ट्र का, पश्चिम बंगाल का, उड़ीसा का और उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का दिया गया है। वाकाटक राजा कहाँ काम करते थे? मित्रों आप जानते हैं आधुनिक वाला जो महाराष्ट्र है आज, जहाँ पे आप जानते होंगे कि जो है देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री और आपके एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं, वो वाला बेल्ट है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। आगे बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चंस पे। 8 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सबसे पहले स्थापित हुआ? नाम बहमनी है, जौनपुर है, गोलकुंडा और खानदेश है। 4 राज्यों में आपको बताना है सबसे पहले। मित्रों तुगलक आते हैं, मोहम्मद तुगलक नाम होता है, उन्होंने सबसे पहले कौन सा बहमनी साम्राज्य को स्थापित किया? तो आप जानते हैं, आप देखना अलाउद्दीन बहमन शाह जो हसन गंगू हैं, ये बहमनी साम्राज्य को स्थापित करते हैं। समय काल की अगर आप बात करेंगे तो ये आपका 1347 से स्टार्ट होता है लगभग, और 1527 के आसपास तक का आपका रहता है बहमनी। तो सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ लगाना, सबसे पहले बहमनी आएगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 9 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस में कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन दिया गया, कौन सा सही है यह पूछा जा रहा है। कथन दिया गया, पृथ्वीराज ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे और गयासुद्दीन तुगलक शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही है। तो मित्रों पृथ्वीराज थे ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती के समकालीन और उसके साथ गयासुद्दीन तुगलक भी शेख निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। तो दोनों ऑप्शन सही लगा लो, सी के साथ आंसर लगा लो। आगे बात करेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन कादरी उपनाम से कविताएं लिखता था? नाम दिया गया कादरी उपनाम के लिए, मोहम्मद अमीन काजवानी, अब्दुल हामिद लाहौरी, अबू तालिब कालीम और दारा शिकोह। मित्रों आपसे पूछा गया मुगल शहजादा का नाम होगा जो कादरी नाम से कविताएं लिखेगा, नाम उसका दारा शिकोह होगा। बहुत अच्छा लेखक होता है, बहुत अच्छा जो है ये कला प्रेमी और चित्रकार भी रहा है। सही जवाब दारा शिकोह के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 11 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाम दिया गया जहांपनाह नगर, फिरोज शाह तुगलक। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। मित्रों जहां फिरोज शाह तुगलक दिया गया है, इसकी जगह पर अगर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता तो यही ऑप्शन सही हो जाता, बाकी सब ऑप्शन सही है। तो सुमेलित नहीं है, जैसे कहा जाए जहाँ पनाह नगर लगा लेना। बाकी इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान सही है, चार मीनार अहमद शाह बहमनी और कर्णस्तंभ राणा कुंभा का है। तो सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ ही लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 12 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है मित्रों, पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की दूसरी बार स्थापना की गई? नाम सरहिंद का युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध है, मच्छीवाड़ा का युद्ध है या फिर पानीपत का पहला युद्ध है। मुगल साम्राज्य की दूसरी बार स्थापना कौन से? तो पानीपत में एक युद्ध होता है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, आप जानते ही होंगे, और बाबर विजयी होता है इसमें से। तो बाबर आता है और भारत में मुगलिया साम्राज्य को स्थापित कर देता है। आप ये तो जानते ही हैं, लेकिन दूसरी बार जब मुगल काल की स्थापना होगी तो हुमायूं ने दिल्ली में प्रवेश किया था, तब जो है बाबर का पुत्र हुमायूं होता है। तो आप जानते हैं कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध होता है, तब जाके हुमायूं दूसरी बार विजय प्राप्त कर पाता है। सिकंदर सूर के मध्य होता है हुमायूं का युद्ध, और ये लगभग 1555 के आसपास होता है। कब होता है? 1555। बीच में इसे निर्वासन की जिंदगी व्यतीत करनी पड़ी थी ना, निर्वासन के काल में ही अकबर का जन्म होता है, हुमायूं का पुत्र होता है अकबर। तो आपको सही जवाब सरहिंद का युद्ध लगाना होगा दूसरी बार स्थापना के लिए। सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 13 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है मित्रों, 13 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शंस दिए गए, एक गलत है उसे आपको बताना है। गुरु अंगद की गुरुमुखी के प्रेरणा माने जाते हैं, हाँ। गुरु रामदास अमृतसर की स्थापना करते हैं, बिल्कुल। गुरु अर्जुन देव ने अकाल तख्त की स्थापना, मित्रों अकाल तख्त की जैसे बात आती है आप जानते हैं हर गोविंद बाबा बुढ़ा के भाई
गुरदास के साथ मिलकर के करते हैं, तो हरगोबिंद करते हैं अकाल तख्त, अर्जुन देव नहीं करते। तो सही जवाब यही लगा लो, क्योंकि गलत कथन आपको पहचानना है। बाकी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ स्थापित किया था, ये सही है। तो सही जवाब आपको यहाँ पे गलत निकालना था, गलत के लिए आपको सही जवाब लगाना होगा सी के साथ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे, 14 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। कथन और कूट से क्वेश्चंस है मित्रों, थोड़ा जटिल क्वेश्चंस है, पढ़ने का प्रयास करिए फिर आंसर्स दीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से बक्सर के युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सत्य कथन की पहचान कीजिए। ऑप्शंस में दिया गया है बक्सर के लिए और आपसे पूछा जा रहा है क्या सही क्या गलत। मित्रों यह युद्ध केवल मीर कासिम के विरुद्ध ना था, अपितु मुगल बादशाह और अवध के नवाब के विरुद्ध भी था। बिल्कुल, इस युद्ध में भारत ने अंग्रेजों के शासन की स्थापना का जो मार्ग दृढ़ कर दिया था, हाँ बिल्कुल। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की रुचि जो है बंगाल के संसाधनों और व्यापारिक क्षमताओं का उपयोग करके एशिया के व्यापार में अपनी जो है जारीदारी कायम करना था। बिल्कुल, तो सही जवाब तीनों हो जाएंगे, यानी डी के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, फिर से आपसे कोर्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है सूची 1 सूची 2 का सुमेल कीजिए। नाम दे दिया गया है, इसमें से आपको सुमेल करना है। जैसे आप देखना, पहला नाम दिया गया बेलूपंथी विद्रोह का। बेलूपंथी विद्रोह अगर बात करते हैं मित्रों तो ये केरला में आपके होता है। संथाल विद्रोह की अगर बात करते हैं ये झारखंड में होता है। कुकी विद्रोह की अगर हम लोग बात करते हैं ये मणिपुर में ही हुआ है। और रामपा विद्रोह आपका आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो आपको सही जवाब क्या लगाना होगा, 1, 2, 3, 4 लगाना होगा। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे, 16 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध है यांडूब की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। यांडूब की संधि कौन से युद्ध के लिए निर्णायक भूमिका में आती है। अंगल वर्मा युद्ध का पहला वाले की बात हो रहा है, द्वितीय अंगल वर्मा युद्ध की बात हो रही है, तृतीय अंगल वर्मा या फिर अंगल नेपाल युद्ध की बात हो रही है। मित्रों जो पहला अंगल वर्मा युद्ध होता है तो यांबूड की संधि के द्वारा समाप्त होता है, जो 24 फरवरी 1826 को हुई थी। कब हुई थी, 24 फरवरी 1826 को हुई थी। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ, 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मानव सभ्यता का आदर्श अलग अलग रहने में नहीं बल्कि चिंतन तथा प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों में व्यक्तियों और राष्ट्रों के आपसी भाईचारे में है। उपयुक्त वाक्य किसके द्वारा कहा गया है। आपसे ऑप्शंस में दिया गया है कि ईश्वरचंद्र विद्याचार्य ने कहा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने कहा, राममोहन राय ने कहा या फिर विवेकानंद ने कहा। मित्रों आप जानते हैं राजा राममोहन राय जिनका राजनीतिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय लेवल का था, इनका कथन है। तो आपको सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, 18 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस दिया गया, चार चार नाम दिए गए, इसमें से बताना है। शिप्रू समिति की बात होती है तो मध्य वर्ग में व्यापक जो पर्याप्त बेरोजगारी है उसके संबंध में अध्ययन है, हाँ बिल्कुल सही है। बताना है सुमेलित नहीं है, अभी बताते हैं। बेल्ली आयोग की बात होती है, धन निष्कासन के मुद्दों पर दादा भाई से बहस हुई थी, हाँ हुई थी, बिल्कुल सही है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों लायन आयोग की, तो भयंकर दुर्दाक्ष के संबंध में सिफारिशें दी गई थी इसमें। लेकिन जो आपका मैकलोंग समिति है मित्रों, ये मैकलोंग समिति ये काल से निपटने के लिए उपाय था क्या। मैकलोंग समिति जो है ये सरकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों की सिफारिश के लिए था, तो ये सरकारी संस्थाओं से संबंधित है। आपसे पूछा गया सुमेलित नहीं है, सही जवाब मैकलोंग समिति लगाओ, डी इज द राइट आंसर बनाओ। ठीक है, ये गठित कब हुई थी, लगभग 1900 सन में हुई थी, 1900। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया क्या मित्रों, कहा जा रहा है बंगाल में राजनैतिक आंदोलन के सबसे पहले प्रवर्तक कौन थे। राजनैतिक आंदोलन में सबसे पहले प्रवर्तक आपको बताना है। ऑप्शंस में शिशिर कुमार घोष का है, दादा भाई नेरोजी का है, राजा राम मोहन राय का, बंकिम चंद्र चटर्जी का दिया गया है। आप जानते हैं मित्रों कि बंगाल में राजनीतिक आंदोलन के सबसे पहले प्रवर्तक, सबसे अग्रणी जो काम आता है वो राजा राम मोहन राय का आता है। तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहा गया निम्नलिखित में से किस आयोग को डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। नाम दिया गया हंटर आयोग, शायमान आयोग, बुड डिस्पैच आयोग और रेलय आयोग। आपको बताना है डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के नाम से कौन सा आयोग जाना जाता है। वो आयोग आपका हंटर आयोग होता है मित्रों, हंटर आयोग। जलियांवाला बाग की जांच के लिए भारत के सचिव रहे हैं, मॉन्टेग्यू समिति जो है गठित करते हैं और इसमें उसके निपटारण के लिए सुझाव बताए जाते हैं।
तो सही जवाब जो है फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, कोर्ट से क्वेश्चंस है। कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शंस में दिया गया है, आपको बताना है नासिक षड्यंत्र केस। मित्रों नासिक षड्यंत्र केस ये लगभग 1909 के आसपास होता है, ठीक है। और जो कामागाटा मारू प्रकरण होता है ये आपका 1914 के आसपास हो जाता है। आपका जो प्रथम अंतरिम भारत सरकार की स्थापना होती है आप जानते हैं 1915 में होती है। 1915 में विचित्रा क्लब की स्थापना भी होती है, याद रखना विचित्रा क्लब, ठीक है। और जो काकोरी एक्शन है मित्रों, ये काकोरी एक्शन आपको 1925 में होता है जिसमें ट्रेन डकैती होती है। तो इसका सही क्रम आपको बताना था, सही क्रम 1 2 3 4 यानी सही लगा हुआ है, तो सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। कथन और कारण से क्वेश्चन है। कह रहा है जो है कथन दिया गया, उसके बाद कह रहा है कौन सा कूट सही सहायता के लिए उत्तर का चयन कीजिए। आपसे कथन पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। मित्रों कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जो स्थापना है 1934 में हुई, हाँ हुई। जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, अशोक मेहता इसके संस्थापक सदस्यों में रहे, हाँ रहे। तो सही जवाब क्या होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा, तो दोनों कथन सही हैं यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 23 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, क्या पूछ रहा है। कह रहा है इसने मौलिक राष्ट्रवादी ताकतों को जो पूर्ण स्वराज्य के साथ समाजवादी आधार पर सामाजिक आर्थिक सुधारों की मांग कर रही थी और उत्तेजित कर दिया, यह वाक्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नेहरू रिपोर्ट से है, गांधी इरविन समझौता से है, सैनिक जो है साइमन कमीशन से है, या फिर पूना समझौता से। तो ऐसा कथन जो रिलीज किया गया वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा दिया गया, तो याद रखना साइमन। सही जवाब बी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहा। 24 नंबर क्वेश्चंस आपसे मित्रों क्या कह रहा है। कह रहा है 1937 में चुनाव के बाद प्रांतों में गठित कांग्रेस सरकार के नियुक्त मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है प्रांत बंबई है, मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए। मित्रों बहुत जटिल क्वेश्चन है, हल्के मत लीजिएगा, हल्के बिल्कुल भी मत लीजिएगा। बीजी खेर बंबई में नियुक्त हुए थे। आप बात करना संयुक्त प्रांत की, संयुक्त प्रांत में आपके गोविंद वल्लभ पंत जी आए थे, लेकिन जो मद्रास वाला है ये सुब्रमण्यम अय्यर का नाम दिया गया है, जबकि मद्रास के मुख्यमंत्री सी राज गोपालाचारी हुए थे, सी राज गोपालाचारी हुए थे, तो गोपालाचारी का नाम याद रखना, ठीक मित्रों। और उड़ीसा वाले हरे कृष्ण मेहता एकदम सही हैं, तो सही सुमिलित नहीं है, मद्रास वाला लगा लेना। उत्तरी प्रांत के खान साहब आते हैं, बिहार में कृष्ण सिंह आते हैं, मध्य वाले में डाव खेर आते हैं, डाव खरे या डाव खेर जो नाम आए, डाव खरे ज़्यादातर लिखा मिलता है, तो डाव खरे मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बनते हैं। अब मद्रास वाले में सिराज गोपालाचारी लगा लो, सुब्रमण्यम अय्यर नहीं है, सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 25 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान देसाई लियाकत समझौता से संबंधित है। आपका नाम दिया गया है, इसमें से पूछा जा रहा है अंतरिम सरकार 20% स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित करे, हाँ बिल्कुल देसाई लियाकत समझौता यही हुआ था, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 26 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, क्या पूछ रहा है मित्रों। कथन और कारण से क्वेश्चंस है, सही कथन आपको बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश, आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो कुल साक्षरता है वो 67.7% है, हाँ मित्रों 67.7% उत्तर प्रदेश की साक्षरता है ओवरऑल। पुरुष साक्षरता 77.23% है और प्रदेश की स्त्री साक्षरता दर जो है वो 57.2% है। तो सभी कथन इसके सही हैं, सही जवाब डी के साथ लगाना होगा। साक्षरता के क्रम में उत्तर प्रदेश का स्थान भी पूछा जाए तो 29वां लगाना, 2011 की अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। कानपुर नगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, औरैया। मित्रों बहुत जटिल क्वेश्चन है, याद रखना इसमें जो आपका गौतम बुद्ध नगर आएगा ये 80.12% के साथ टॉप पे है। आपका जो कानपुर नगर है इसमें आप देखना तो 79.71% आता है। जो आपका गाजियाबाद आएगा मित्रों ये 78% के साथ है, 78.10। और जो आपका औरैया दिया गया है ये
78.95% के साथ है। आपसे अगर कानपुर नगर की बात करता 79.71 लगाया। इटावा की अगर बात करें तब भी आपको इटावा याद रखना होगा क्योंकि थोड़ा फेमस जिला होता है, भूतपूर्व मुख्यमंत्री का ये गृह जनपद है इटावा वाला बेल्ट आपका, तो 78.41% आपके इटावा वाले का है। तो सही जवाब क्या होगा, गौतम बुद्ध नगर होगा। सही जवाब वी के साथ लगाना, वी इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। लिंगानुपात मतलब जहाँ 1000 पुरुषों पर महिलाएँ ज़्यादा पाई जाती हूँ, ठीक है, उनका रेशियो क्या है। देवरिया का नाम है, जौनपुर का नाम है, आजमगढ़ का नाम है और प्रतापगढ़ का नाम है। मित्रों आप जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। जौनपुर में जो है महिलाओं का रेशियो जो है 1024 है, आपका देवरिया है 1017 के साथ, आपका जो आजमगढ़ है 1019 के साथ है और जो आपका प्रतापगढ़ है मित्रों ये 998 के साथ है। एक जिला और सुल्तानपुर आप याद रखना, सुल्तानपुर का 983 है मित्रों, तो सुल्तानपुर 983। अब इसमें मैक्सिमम कौन सा है, आपका जौनपुर वाला है, सिराज हिंद वाला है, तो सही जवाब जो है जौनपुर के साथ लगा लो, सी इज द राइट आंसर बना लो। अब मान लो आपके पेपर में जौनपुर हटा दिया गया तब कौन सा होगा, उसके बाद आजमगढ़ का नाम आता है, फिर देवरिया का नाम आता है, फिर प्रतापगढ़ का नाम आता है, ठीक है, तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। ऐसा ना हो कि केवल एक ही आंसर आपको याद रहे, सभी के साथ आपको दिमाग में बिठा के चलना होगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, पूछा गया निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। आपसे पूछा गया कौन सा कारक सागरीय लवणता को नियंत्रित करते हैं, उसके लिए आपको सही जवाब देना है। मित्रों याद रखना वाष्पीकरण का बात किया गया, हाँ रोकता है, नदी जल रोकता है, वर्षा रोकता है, तो सही जवाब 1, 2, 3 लगा लो, सही जवाब डी के साथ बना लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 30 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति तब होती है जब, दीर्घ ज्वार कब उत्पन्न होता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाए, सन भी आ जाए, पृथ्वी भी आ जाए, चंद्रमा भी आ जाए, एक रेखा दिखाई दे जाए, आपका दीर्घ ज्वार उत्पन्न हो जाएगा, दीर्घ ज्वार फर्स्ट के साथ आंसर्स। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे मित्रों। 31 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा गर्त अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है, अटलांटिक में स्थित नहीं होगा वो गर्त, सैंडविच गर्त है मित्रों, आपको पोटोरिको गर्त है, आप रोमांचे गर्त की बात करेंगे वो भी है, आपका जो है डायमेंटाना गर्त जो दिया गया है आप जानते होंगे डायमेंटाना गर्त जो है ये कहां पर है, तो डायमेंटाना गर्त की जब आप बात करेंगे तो ये गर्त आपका हिंद महासागर में है, कहां पर है, हिंद महासागर है मित्रों, तो सही जवाब यही लगा लो क्योंकि पूछा गया संबंधित नहीं है और सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपको नाम दिया गया है वोल्गा नदी कैस्पियन सागर, पूछा गया निम्नलिखित नदियों में सागर से मिलने पर अपने स्थान के साथ सुमेलित कर देना है, आपको बताना है वोल्गा नदी ये कैस्पियन सागर में है। वोल्गा नदी आप जानते हैं यूरोप की सबसे लंबी नदी होती है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो आपकी वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है आप जानते हैं, वाल्दा पहाड़ियों से निकलती है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है, कहां पे, कैस्पियन सागर, तो एकदम सही लगा हुआ है। दूसरा है डिन्यूब नदी, मित्रों आपका डिन्यूब नदी जो है ये जर्मनी में पैदा होती है, कहां पे निकलती है, जर्मनी में निकलती है, जर्मनी में निकलती है, जर्मनी में आती है और इसका जो उद्गम है काला सागर में जाकर के मिल जाना है, तो काला सागर में लास्ट में डैन्यूब नदी मिलती है। तीसरा दिया गया यूराल नदी, यूराल नदी की अगर बात होती है दक्षिणी यूराल पर्वत से निकलता है और कैस्पियन सागर में मिलता है, ये उत्तरी सागर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कैस्पियन सागर होना चाहिए, तो मित्रों यहाँ सही जवाब क्या आपका बनेगा, सही जवाब 1 और 2 बनेगा, यानी फर्स्ट के साथ आपको आंसर्स मिलान करना होगा, इज द राइट आंसर्स लगाइए। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है, भारत और नेपाल के साथ सीमा बनाते हुए बहती है, महाकाली, बराक, कालादान या फिर गंगा। मित्रों महाकाली नदी जो है ये भारत और नेपाल के मध्य सीमा का निर्धारण कर रही है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से आरंभ होती है, आगे चल के काली गंगा या फिर शारदा के नाम से जानी जाती है। आप जानते हैं कालानंद नदी भारत और म्यांमार से सीमा भी बनाती है, कालानंद नदी कहाँ से बनाती है, भारत और म्यांमार, भारत म्यांमार। और आपकी बराक नदी कहाँ है, भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच, ठीक है मित्रों।
आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया ब्लू नील नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है। विक्टोरिया झील है, एडवर्ड झील है, ताना झील है और जो है टांगानिका झील है। आपको सही जवाब देना है ब्लू नील नदी का उद्गम। ब्लू नील नदी का उद्गम ताना झील देना मित्रों, ताना झील। ब्लू नील नदी या फिर नीली नील नदी का उद्गम इथोपिया के ताना झील से है, तो सही जवाब आपको बी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे, 35 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है 35 नंबर क्वेश्चंस, नदियों के किनारे स्थित शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नाम दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। न्यूयॉर्क की अगर बात होती है मित्रों, हडसन नदी है सही जवाब। पेरिस की बात की जाती है, सीन नदी के किनारे। रोम की बात होती है तो डेन्व्यू नदी होता है क्या। रोम जैसे बात हो, इटली की राजधानी है और ये जो है टाइबर नदी के किनारे है, तो ये टाइबर नदी आंसर होगा, डेन्व्यू नदी नहीं होगा। तो यही आपका जो है मैच नहीं है, सही जवाब सी के साथ लगा लो। बाकी बर्लिन की अगर बात होती है, स्प्री नदी के किनारे ही है आप जानते हैं। मास्को मास्कावा नदी के किनारे है। बगदाद टर्गिश नदी के किनारे है। मॉन्ट्रियल की बात होती है, सेंट लॉरेंस नदी लगाना। शंघाई की अगर बात होती है, यांग सिटी नदी लगाना। कराची की बात हो, सिंधु नदी लगाना। और काहिरा की अगर बात होती है तो नील नदी लगाना मित्रों, सही जवाब यहाँ रोम के साथ लगा लो, ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रोम किसकी राजधानी है, इटली की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना होगा, इटली। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र वाला है, सही जवाब यही लगाना मित्रों, बाकी सब सही है। पश्चिम बंगाल में बनता है, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीचों बीच में निर्मित होता है डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ठीक है, पंजाकार डेल्टा कौन सा है, तो मिसिसिपी नदी वाला लगाना। नील नदी का जो है वो चांपाकार डेल्टा बनाता है, तो सही जवाब इसके साथ लगा लो, फर्स्ट के साथ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, 37 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, नाम दिया गया होंसू द्वीप, क्यूशू द्वीप, हाकेंडो द्वीप और जो है शिकोंको द्वीप। मित्रों जापान का सबसे बड़ा वाला द्वीप कौन सा है, तो यहाँ पे होंसू द्वीप लगाना, फर्स्ट के साथ आंसर लगाना। संपूर्ण जापान मुख्य रूप से चार द्वीपों में विभाजित है, आप जानते ही हैं, होंसू, हाकेंडो, क्यूशू और शिकोंको। तो इसे कभी कभी क्रम में लगाने को पूछता है, ठीक है। तो टोक्यो के पास जो है वो होंसू द्वीप है, टोक्यो जो जापान की राजधानी है, इन द्वीपों से उत्तर से दक्षिण क्रम लगाने को कहता है। तो मित्रों सबसे पहले हाकेंडो, उत्तर से दक्षिण पे बात कर रहे हैं हाकेंडो, उसके बाद आप होंसू लगाना, होंसू के बाद जब आएगा तो शिकोंको आएगा, होंसू के बाद शिकोंको लगाना और शिकोंको के बाद आप सो क्यूशू लगाना। ये जापान के चारों द्वीप कई बार परीक्षाओं में छपे हैं, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है, याद रखना। ठीक है, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, 38 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया विश्व की झीलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, नाम दिया गया सबसे गहरी झील बैकाल झील है, हाँ है। सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर है, हाँ है। सबसे ऊंची झील ओजस डेल्ड सोलार्ट है, हाँ है। पूछा गया सबसे खारी झील कौन सी है, मृत सागर है क्या। मित्रों जब सबसे खारी की बात होगी, सबसे खारी, तो सबसे खारी झील मृत सागर है क्या, लेक असल है जिबूती वाली, तो वो सबसे ज़्यादा खारी है, मृत सागर मत लगाओ, सही जवाब डी के साथ लगाओ, लेक असल लगाओ, असल 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 वाली झील, असल असल वाली झील जिबूती में पाई जाती है, सही जवाब डी के साथ लगाना। सबसे बढ़िया मीठे पानी वाली झील सुपीरियर झील, सबसे ऊँचा नेगम में झील टिटिकाका झील, सबसे ऊँची झील ओजस डेल सलाडो झील कहा जाता है उसे, सबसे नीची वाली झील मृत सागर आपकी होती है, सबसे गहरी झील आपकी बैकाल झील, जानते ही हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ, 39 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, नाम दिया गया मलक्का जल संधि, मैगन जल संधि, सुंडा जल संधि और डोवर जल संधि। आपको बताना है कौन सी जल संधि है जो प्रशांत और अटलांटिक के मध्य है। प्रशांत और अटलांटिक के जो मध्य है मित्रों, उसे मैगलन जल संधि कहते हैं। आप जानते हैं जो सुंडा वाली जल संधि है, जावा और हिंद महासागर के बीच है, सुंडा वाली, जावा और हिंद महासागर, जावा और हिंद की बात है। आपकी जो डोवर जल संधि है मित्रों, ये उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच है, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच है। आपकी जानते ही हैं कि जो बेरिंग वाली है, बेरिंग वाली कहाँ पे है, बेरिंग और चुंगी सागर को जोड़ती है वो। और जो हॉर्मुज जल संधि है आपकी, वो आपकी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। मलक्का तो आप जानते ही होंगे, मलक्का नहीं जानते, अंडमान सागर और दक्षिणी चीनी सागर को जोड़ती है आपकी मलक्का।
तो सही जवाब मैगलन जल संधि लगाना प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य वाली है। सही जवाब सी के साथ लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आना, 40 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलों या फिर पर्वत शिखरों पर पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में आप बिठा दीजिए, सही क्रम आपको लगाना है। कौन सा आएगा, कंचनजंघा, धौलावीरा, एवरेस्ट, अन्नपूर्ण? नहीं, पूर्व से पश्चिम बिठाना है, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंघा, धौलावीरा? नहीं मित्रों, सबसे पहले कंचनजंघा आएगा, फिर आपका एवरेस्ट आएगा, फिर अन्नपूर्णा आएगा, फिर धौलागिरी आएगा। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर, लगा लीजिए। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे नवीन श्रेणी कौन सी है, अरावली, पूर्वी घाट, हिमालय या फिर पश्चिमी घाट? सबसे नवीन की जैसे बात होती है, हिमालय का नाम ले लेना, सबसे बढ़िया वाला, सबसे नया वाला, अभी वलित पर्वत है उदाहरण। सही जवाब जो है हिमालय के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 42 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया निम्नलिखित में से किसे पहाड़ियों की रानी कहा जाता है, सतपुड़ा को, नीलगिरी को, नल्ला मल्लाई को या फिर जावदी को? पहाड़ियों की रानी जैसी उपमा किसे मिली है, आप जानते हैं मित्रों नीलगिरी को मिली है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सतपुड़ा सबसे ऊंची वाली चोटी धूपगढ़ होती है, पंचमढ़ी में स्थित होती है, आप जानते ही हैं। नल्ला मल्लाई पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, आपका दक्षिण भारत वाला है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाला सीमा, ठीक है। और जवादी पहाड़ी आप जानते हैं तमिलनाडु वाले में पाई जाती है, तो यह जवादी कहाँ पर है, तमिलनाडु वाले, तमिलनाडु वाले। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, तो याद रखना। अगला 43 नंबर है, पूछ रहा है आपसे नंदा देवी निम्नलिखित में से किसका भाग है, नाम दिया गया पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय। आपको चारों में सही जवाब देना है नंदा देवी की। नंदा देवी की अगर बात करते हैं मित्रों, नंदा देवी जो है चौथी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, चौथी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, यह आपकी कुमाऊं हिमालय का भाग है, कुमाऊं हिमालय का भाग है सबसे पहला। तो आप जानते हैं K2 है, उसके बाद कंचनजंगा है, उसके बाद नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन आता है। 44 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है मित्रों निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, दिया गया माना दर्रा, पारंगला दर्रा, लिपुलेख दर्रा और जो है कुंगरी दर्रा। कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, चारों ऑप्शन देखना है फिर आपको बताना है। पारंगला दर्रा जो है, ये पारंगला माना तो आप जानते हैं, माना, लिपुलेख, कुंगरी दर्रा जो है उत्तराखंड में, जबकि जो पारंगला दर्रा है मित्रों, यह भी लेटेस्ट में सरकार बदली है, कांग्रेस की सरकार चलती है, ऊंटी पहाड़ी जहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित। तो सही जवाब जो है सियाचिन, सियाचिन, अरे बाबू पारंगला लगाओ, पारंगला इसके लिए आंसर्स लगाओ, पारंगला, सॉरी पारंगला लगाओ, ठीक है पारंगला लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 45 नंबर, और 45 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है मित्रों यमुना नदी का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद है, आपको बताना है कहाँ से यमुना नदी उद्भव होती है। आप जानते हैं मिलाम, सियाचिन, जम्मू और बंदरपूछ। यमुना के उद्गम की अगर बात होती है तो हिमनद का नाम बंदरपूछ होता है, बंदरपूछ, ठीक है। और मिलाम में क्या होता है, मिलाम में आपकी गोरी गंगा निकलती है, कौन सी, गोरी गंगा निकलती है, ठीक है। जेमू से आपका कहाँ निकलती है, तिस्ता नदी निकलती है, तिस्ता 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 तिस्ता। और सियाचिन से आप जानते हैं नुब्रा, कौन सी निकलती है, नुब्रा निकलती है। तो बंदरपूछ से आपकी यमुना नदी निकलती है, सही जवाब बंदरपूछ के साथ लगाना। जबकि आप जानते हैं बारह से ग्राही चेनाब नदी निकल जाती है, और सुमेरु नदी से मंदाकिनी नदी आपकी निकलती है। तो बंदरपूछ से आपकी यमुना नदी निकलती है, सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 46 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के बीच में स्थित है, नाम दिया गया मेघालय का पठार, नहीं दक्कन पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार। मित्रों आपसे कहा जा रहा है अरावली और विंध्य वाले बेल्ट में पाया जाता है, तो अरावली और विंध्य वाले बेल्ट में जो पाया जाता है वो मालवा का पठार है। तो सही जवाब मालवा के पठार के साथ देना होगा, सही जवाब वी के साथ बनाना होगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नाम दिया गया भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, और भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य केरल है। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा आपका कथन सही है। सही की अगर बात करते हैं मित्रों, केवल और केवल लंबी तटरेखा आपकी गुजरात है, यह सही है। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना। गुजरात 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 में आप जानते हैं 1214 किलोमीटर लगभग लगभग डाटा है, 1214 किलोमीटर, दशमलव में भी कुछ कुछ आ जाता है, और इसलिए यह सबसे लंबी है। जबकि सबसे छोटा वाला जो है आपका गोवा होगा मित्रों, गोवा, प्रमोद सावंत वाला गोवा, यहाँ पे 118 किलोमीटर तटरेखा मात्र पाई जाती है, ठीक है। तो सही बात फर्स्ट के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चंस 48 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वैरन द्वीप है, आज़ाद द्वीप है, व्हीलर द्वीप है या फिर स्वराज द्वीप है?
आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय तो वैरन द्वीप आपका हो जाएगा। वैरन द्वीप आप जानते हैं सक्रिय ज्वालामुखी होती है, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है आपका। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दिया गया लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, आपको बताना कौन सा कथन सही नहीं है। हर मित्रों आप जानते हैं लक्षद्वीप अरब सागर में है, यह एक प्रचलित जो है यह प्रवाल उत्पत्ति का द्वीप होता है। अच्छा हाँ, और इसका उत्तरी द्वीप जो है मिनिकाय कहते हैं, उत्तरी द्वीप को मिनिकाय कहते हैं, ऐसा तो हमने नहीं सुना है। मिनिकाय उत्तरी द्वीप को अमीन देवी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अमीन देवी, क्या अमीन देवी कहा जाता है। मित्रों उत्तरी द्वीप को अमीन देवी कहा जाता है, तो मिनिकाय ना कहो अमीन देवी कहो, तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी 9 डिग्री चैनल का मिनिकाय द्वीप अन्य द्वीपों से अलग होता है, ये बिल्कुल सही है। तो सही जवाब आपको सी के साथ लगाना होगा, क्योंकि आपको असत्य पहचानना था, तो सत्य नहीं है, सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ, 50वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है। सेवन सिस्टर्स में शामिल नहीं है सात बहनों वाला बेल्ट, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम और मणिपुर। मित्रों सात बहनों का जो बेल्ट होता है उसमें सिक्किम का नाम शामिल नहीं है। आप जानते हैं सात राज्य कौन से हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। सिक्किम आपका तो इधर वाला बेल्ट हो जाता है मित्रों, तो सिक्किम इसमें शामिल नहीं। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, कथन और कारण से पूछा जा रहा है। कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसका चुनाव कीजिए, आपको सही जवाब देना है। मित्रों इसके द्वारा केंद्र और प्रांतीय सूचियां अलग कर दी गई, हाँ किया गया था। राज्य और केंद्रीय नियंत्रण कम हुआ और प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ स्टार्ट हुआ था, हाँ हुआ था। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो, दोनों काम हुआ था। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 52 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाम दिया गया लोक सेवाओं में सुधार हेतु ली आयोग का गठन किया गया था, ली आयोग, ऐसा है, कौन सा कथन सही, हाँ है। और 1930 में लोक सेवा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता एलिजा एमपे किए थे। मित्रों ली आयोग का गठन तो 1926 में हुआ था, लेकिन जो लोक सेवा आयोग के गठन की बात होती है 1926 में किया गया था, पहली बात 30 में नहीं हुआ था, 1926 में हुआ था, 1926 में हुआ था। और जो अध्यक्ष बनाए गए थे रोज वारकर बनाए गए थे, क्या बनाए गए थे, रोज वारकर बनाए गए थे, ठीक है, रोज वारकर, तो एलिजा एमपे नहीं थे। तो सही जवाब केवल फर्स्ट होगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे, अगला क्वेश्चंस 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया किस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था। आपसे नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, 1909 या फिर उपयोग में से कोई नहीं। मित्रों भारत शासन अधिनियम 1935 में ऐसा काम हुआ था, इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं लगाई गई थी, 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियाँ तैयार की गई थी, राज्य के लिए समूर्ति सूची के मध्य में पृथक्करण किया गया। सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा, अगला क्वेश्चन 54 नंबर है, कूट से क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सत्य है ये बताइए। आपसे पूछा जा रहा है सत्य के बारे में। मित्रों अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्रालय का कार्यभार वल्लभ भाई पटेल को मिला, नहीं। अंतरिम सरकार का गठन 47 में किया गया था, नहीं। तो उपयोग में से कोई नहीं सही है, सही जवाब डी के साथ दे दो। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, अगले क्वेश्चंस पे 1946 में अंतरिम सरकार गठन होता है, 46 में, ठीक है। और खाद्य रसद मंत्री कौन बनाए जाते हैं, राजेंद्र प्रसाद बनाए जाते हैं, जो पहले राष्ट्रपति बनते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन आता है, 55 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मित्रों, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, चार ऑप्शंस दिया गया है, उसमें से आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। 1934 में पहली बार वामपंथी नेता एमएन राय द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई, हाँ की गई थी। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, हाँ है। 42 में ब्रिटिश सरकार ने संविधान निर्माण हेतु अपनी सैद्धांतिक सहमति दी और अगस्त प्रस्ताव के नाम से विदित किया, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। 42 में नहीं हुआ था, 40 में ही हो गया था, 1940 में ऐसा किया गया था, और आप जानते हैं अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, तो यही आपका गलत है। बाकी 42 में क्रिप्स मिशन आया था, तो सही जवाब यही लगाना होगा, क्योंकि कथन सत्य नहीं है पहचानना है, तो सही जवाब सी के साथ लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा,
पूछा गया कैबिनेट मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और दिया गया है कौन सा सही है। फिर आपसे कैबिनेट मिशन के बारे में बताया गया, कैबिनेट मिशन का जो आगमन है वो 24 मार्च 1946 को हुआ था। हाँ बिल्कुल हुआ था, कैबिनेट मिशन इसी डेट को आया था। यह आयोग 4 सदस्यीय था। मित्रों कैबिनेट मिशन की बात हो रही है, आप जानते होंगे इसके सदस्यों में पैथिक लॉरेंस का नाम था, स्टोफर्ड क्रिप्स का नाम था, ए बी अलेक्जेंडर का नाम था, और पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे, तो चार कहाँ हो गए, ये तीन ही थे। दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है इसका मुख्य कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपयोग और उसके साथ जो उपाय थे उसके साथ संभावनाओं को तलाशना था। हाँ ऐसा था, तो ऐसा काम किसके साथ हुआ, सही जवाब क्या बनेगा आपका, सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है युग में, आपको ये बताना है मित्रों, सही सुमेलित नहीं है। नाम दिया गया इसमें से आपको, जो संचालन समिति है राजेंद्र प्रसाद, हाँ बिल्कुल सही थे, संघीय संविधान समिति की बात कर रहा है, और इसमें जो है कहा जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मित्रों जो संघीय संविधान समिति की बात होगी जब, तो वहाँ पर आपको पंडित साहब का नाम याद रखना होगा, यानी जे एल नेहरू की बात होगी, तो जवाहरलाल नेहरू का नाम यहाँ पे याद रखना है, नेहरू नेहरू नेहरू, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप जानते हैं प्रांतीय संविधान समिति के जो है कर्ता धर्ता रहे, जो आपका प्रांत से संबंधित था, तो प्रांतीय समिति से संबंधित इनका कार्यकाल रहा है। तो सही जवाब बी के साथ लगा लो, प्रारूप समिति अम्बेडकर की ही थी, और जो संघ शक्ति समिति है आपकी वो जवाहरलाल नेहरू की रही है। तो यहाँ पे जो गलत है वो संघीय संविधान समिति है, संघीय संविधान समिति के लिए आप जवाहरलाल नेहरू को सही जवाब लगाना, तो यहाँ पे आपको सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, यही सुमेलित नहीं। आगे बढ़ेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन आता है मित्रों आपसे, कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन से पूछ रहा है आपसे कि जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोर्टों का सही क्रम में चयन कर दीजिए। नाम दे दिया गया है आपसे और उसमें से आपको सही जवाब देना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक का होता है, इनमें जो भी पहले हो जाए। हाँ ऐसा होता है। और कहा जा रहा है मित्रों कि निर्वाचन आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। मित्रों निर्वाचन आयोग जो है ये परिसीमन का काम करता है, ये परिसीमन का काम करता है, और ये जो है गैर नहीं है, संवैधानिक संस्था है। तो सही जवाब ये गलत कर दिया। बाकी भारत में निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तों और उनकी कार्यविधियों को सुनिश्चित करने का अधिकार जो है ये संसद को प्राप्त है, तो ऐसा बिल्कुल भी है, ऐसा बिल्कुल भी है। अनुच्छेद 324 ये कहता है, अनुच्छेद 324 कहता है निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही होगा पहला और तीसरा होगा, केवल सी आंसर सही बनेगा, सी के साथ आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, 59 नंबर क्वेश्चंस आ गया है मित्रों आपसे, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, संविधान सभा के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। नाम दिया गया बी एन राव को, एस एन मुखर्जी को, एच वी आर अयंगर को, या फिर प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा को। आपको सही जवाब देना है कौन सचिव के रूप में कार्य किया। वी एस अयंगर के रूप में जाने जाते हैं, संविधान सभा के सचिव के रूप में इन्होंने कार्य किया है। और जो एल एन मुखर्जी हैं ये मुख्य प्रारूपक के रूप में जाने जाते थे एल एन मुखर्जी, और बी एन राव तो आप जानते हैं संवैधानिक सलाहकार रहे हैं, संवैधानिक सलाहकार रहे हैं। प्रेम बिहारी नारायण राजदा को संविधान का जो सुलेखक नियुक्त किया गया था, बढ़िया वाली लेखन का कार्य सुलेखक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है, सुलेखक थे। आगे बात करते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या सही है, और दिया गया चारों ऑप्शंस। दिया गया मूल संविधान 400 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं, मूल संविधान 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ यही सही है, बाकी 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ गलत है, 395 8 अनुसूचियाँ गलत है। आपसे पूछा गया भारतीय संविधान के संदर्भ में क्या सही, तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद आपको मिलेंगी, पहले 8 अनुसूचियाँ थीं, अब जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई, अब 12 हो गई हैं। अनुसूचियों के भाग कितने हो गए, तो भाग अगर पूछे तो मित्रों 22 भाग भी याद रखना, 22 भाग भी याद रखना। भारत का संविधान सबसे लचीला संविधान माना जाता है, याद रखना सबसे लचीला। सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी नहीं वी के साथ, वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन 61 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दिया गया नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिया गया है, हाँ दिया गया,
संघ की कार्यपालिका भाग पाँच में है, हाँ दिया गया। राज्य सरकार भाग छः में दिया गया, हाँ दिया गया। लेकिन आपसे पूछा गया संघ राज्य क्षेत्र की बात भाग नौ में की गई है। मित्रों संघ और राज्य क्षेत्र की जब बात होती है तो वहाँ पे भाग आठ की बात होती है, भाग आठ में दिया गया है। अनुच्छेद जो आता है वो 239 से स्टार्ट होता है, 242 तक की इसमें बातें होती हैं, ठीक है। पंचायत की अगर बात होती है तो वहाँ नौ का आता है, आप जानते होंगे, ठीक है। पंचायत से संबंधित भाग नौ है और उसमें जो आपका ये इस टाइम वाला पंचायत है, नगरीय स्वशासन वाला, उसमें नौ ये आता है या नौ का आता है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो आपका संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाग आठ होना चाहिए जो भाग नौ लिखा है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, 62 नंबर क्वेश्चंस। कह रहा है कार्यपालिका और न्यायपालिका से पृथककरण का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? पृथककरण यानी अलग करने का काम 44 में हुआ, 46 में हुआ, 45 में हुआ या फिर 50 में हुआ? कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथककरण का जो उल्लेख है मित्रों वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है और 50 नंबर में आता है। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, डी इज द राइट आंसर। सुनाओ, समान नागरिक संहिता के लिए आपका 44 नंबर आता है, आप जानते ही होंगे। अनुच्छेद 45 आप जानते हैं 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का जो है प्रावधान करता है आपका अनुच्छेद 45। 46 में क्या है? 46 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा संबंधित हितों के लिए जो है आपका 46 नंबर अनुच्छेद काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 63 नंबर। कह रहा है राज्य में विधान परिषदों के उत्पादन या सृजन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? नाम दिया गया 155 का, 167 का, 169 का, इनमें से कोई नहीं। मित्रों आपको विधान परिषद निकालना है राज्य में, एक नया विधान परिषद चाहिए तो उसके लिए 169 में काम करना होगा। आप जानते हैं विधान परिषदें सभी राज्यों में नहीं पाई जाती हैं। अनुच्छेद जो 155 कहता है ये राज्यपाल की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है। आपका जो 167 वाला है ये राज्यपाल की जानकारी, ये अनुच्छेद जो है राज्यपाल को जानकारी याद देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताता है, ठीक है। मुख्यमंत्री सीएम क्या करेगा उसकी जानकारी। आप जानते ही हैं कि विधान परिषदों के लिए आपका सृजन वाला काम 169 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, सही जवाब क्या होगा? 169 सी इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, 64 नंबर क्वेश्चंस आ गया, आपके कथन और विचार से दिया गया क्वेश्चंस, थोड़ा सा जटिल क्वेश्चंस है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से विचार कीजिए और कौन सा सही कथन है उसके बारे में आप बताइए। तीन तीन ऑप्शंस दे दिए गए हैं, उसमें से सही जवाब देना है। संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्रों का वर्णन है, हाँ है। संविधान की 2री अनुसूची के पदाधिकारियों और परलब्धियों पर भत्ते विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है, ऐसा भी किया गया है। संविधान की जो 3री अनुसूची है उसमें कह रहे हैं कि 3री अनुसूची जो है इसमें जो है राज्यसभा की सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। मित्रों राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन होता है आप जानते हैं 3री अनुच्छेदी में नहीं है, ये आपकी 4थी अनुसूची में, ठीक है। 4थी अनुसूची में आपके राज्यसभा से डाटा मांगा जाता है। तो यहाँ भी जो सही बनेगा, एकदम फैक्ट बनेगा, वो फर्स्ट और सेकंड के साथ बनेगा, यानी केवल एक और दो सही है, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मित्रों? कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आप जानते हैं 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख यहाँ पर आपके हुआ है, ठीक है। इसमें से पूछा जा रहा है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली कौन से संशोधन के द्वारा आती हैं? नाम 21वें का है, 71वें का है, 92वें का है और 73वें का है। मित्रों आप जानते हैं कोंकणी, मणिपुरी और जो नेपाली है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जुड़ती है 1992 में, और 1992 में कौन सा संशोधन होता है? 71वां संविधान संशोधन होता है, 71वां। 92वें संविधान संशोधन में क्या हुआ है मित्रों? तो जब आप देखेंगे 92वां तो उसमें सिंधी को शामिल किया जाता है, ठीक है। सही जवाब क्या बनेगा? 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, इसमें 4 भाषाएं आती हैं 71वां में, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, उसके साथ आपकी सिंधी। नहीं सिंधी क्यों आएगी? सिंधी तो शायद 21वां संविधान, हाँ 21 वाला, हाँ 21 वाला संविधान संशोधन 1967 में होता है, इसमें जो है सिंधी को जोड़ा जाता है, सिंधी को, सिंधी को, ठीक है, सिंधी को जोड़ा जाता है, 1967 के आसपास होता है ये। और आप 2003 वाला कौन सा देखेंगे? जो आपका ये 92वां संविधान संशोधन होता है ये 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में होता है, तो ये 2003 का होता है। और 2003 में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं मित्रों? तो यहाँ याद रखना, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, यहाँ 4 भाषाएं आती हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली आती हैं, 4 भाषाएं जुड़ी जाती हैं, ठीक है।
आगे बात करते हैं, इसका सही जवाब क्या है? 71वां संविधान संशोधन है। आपका कुकड़ी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा जाता है। आप जानते हैं भाग 8 में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। आगे बात करते हैं, प्रश्न संख्या 66 की बात होती है। आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चंस को अच्छे पढ़ना, ज़्यादातर इसमें नहीं का डाटा दिया जाएगा, उसके आंसर्स आपको उसी के बिहेव पे देना होगा, प्रश्न को समझ के देना होगा, अच्छे से समझ के देना होगा। दिया गया भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का जो प्रावधान है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऐसा नहीं है। जो अमेरिका के संविधान से नहीं है, ये ब्रिटेन से लिया गया मित्रों। जो आपका संसदीय विशेषाधिकार है ये ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन। तो यही आपका गलत हो गया, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो, बाकी सभी सही है। भारतीय संविधान का संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया, हाँ बिल्कुल लिया गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रावधान जो है आयरलैंड से लिया गया, हाँ लिया गया। भारतीय संविधान के संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, हाँ लिया गया। लेकिन जो संसदीय विशेषाधिकार है ये आपके ब्रिटेन से है, ना कि यूएसए से। तो यही आपका गलत हो गया, सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सिक्सटी सेवन नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत वर्णित मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्यों कई बार तो यही पूछा गया, कौन से भाग में? 4 का में, 4 का में। मित्रों इसे जो बुलाया गया है कहाँ से? जर्मनी के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से? आप देखेंगे तो ये चारों में आपको 42वां संविधान संशोधन याद आना चाहिए, उसी के थ्रू जोड़ा जाता है। और आप जानते हैं कि सोवियत संघ के संविधान से लिया गया, सोवियत संघ के संविधान से ग्रहण किया गया, ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे ऐड किया गया है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है? कितने टाइप के न्याय? 5 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप या फिर 6 टाइप? मित्रों आप जानते हैं कि यहाँ पे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए सभी जो है। सही जवाब आपका किसके साथ जा रहा है? बी के साथ जा रहा है। तो बी इज द राइट आंसर लगाना। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या पूछ रहा है? दादरा नगर हवेली किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ शासित क्षेत्र बनाया गया था? नाम दिया गया पहला संविधान संशोधन नियम, 9वां संविधान संशोधन नियम, 10वें संविधान संशोधन नियम या फिर उनमें से कोई नहीं। दादरा नगर हवेली की अगर बात होती है मित्रों, आप जानते हैं 1961 के द्वारा इसे जो है बनाया जाता है। तो दादरा नगर हवेली 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा ऐसा काम होता है, ठीक है। सही जवाब सी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, अगला क्वेश्चन 70 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा, आपसे कथन और कारण में पूछा गया है कौन सा कथन सही है और आपको सही जवाब देना है। दिया गया भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को वर्णित 36 से 51 तक का किया गया है। मूल अधिकार, मूल अधिकार की अगर बात करते हैं भाग 3 में आता है। किस भाग में आता है? भाग 3 में आता है। भाग 3 में कहाँ से स्टार्ट होता है? 12 नंबर से स्टार्ट होता है और 35 नंबर तक आता है। तो ये तो पहले गलत हो गया, ठीक है। और 6 प्रकार के मूल अधिकारों का वर्णन होता है, आप जानते हैं 6 टाइप के। कितने टाइप के पूछा भी जाता है? तो 6 टाइप के। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में अंतर्गत आता है, हाँ बिल्कुल भाग 3 के अंतर्गत आता है। तो सही जवाब क्या होगा? केवल बी होगा, केवल दूसरे नंबर का आंसर सही हुआ। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ, बी वाला गोला आपको राइट भरना है। मित्रों आप जानते हैं कि यहाँ पे जो कट ऑफ जाती है प्री क्वालिफाई करने के लिए, आपको जो आपका जीएस वाला पेपर होता है इसमें 95 से 100 क्वेश्चन एकदम सही होने चाहिए, 95 से 100। माइनस मार्किंग का प्रावधान है इसलिए बच के रहना, सभी क्वेश्चन अटेंड करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप 100% जानते हैं वही क्वेश्चन अटेंड करें, ज़्यादा बढ़िया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया 71 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें से आपसे ऑप्शन दे दिया गया है मित्रों। कहा जा रहा है गेहूं के सकल उत्पाद भारत का उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, तो गेहूं के उत्पादन में यूपी पहले नंबर पे है, बिल्कुल सही। चावल के सकल उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, हाँ बिल्कुल सही, द्वितीय स्थान आता है। जबकि आप जानते हैं चावल के सकल उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? चावल में पहले स्थान पर आपका बंगाल आता है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा, दोनों सही है। आगे बात करते हैं 72 नंबर क्वेश्चन से, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली, अच्छा सॉरी, दिसंबर 1922 में लखनऊ में आयोजित ऐतिहासिक अभिलेख समिति के 63वें सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जतिन प्रसाद ने किया, स्वतंत्र देव ने किया, संदीप सिंह ने किया या फिर दयाशंकर सिंह ने किया? आई एच आर सी का जो है 63वें सत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था मित्रों? तो आप जानते हैं परिवहन मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में है, दयाशंकर सिंह नाम है, उन्हीं के द्वारा किया गया। सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो, दयाशंकर सिंह। आगे बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा गया हाल ही में इरशाद मिर्जा का निधन हो गया, उनसे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? आपसे ये पूछा गया है। नाम दिया गया इनका संबंध चर्म उद्योग से था, हाँ बिल्कुल था, इरशाद मिर्जा का जो संबंध था चर्म उद्योग से। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ऐसा तो नहीं दिया गया। तो सही जवाब केवल एक के साथ लगाना, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना। याद रखना चर्म के व्यवसायी थे ये इरशाद मिर्जा, रेड टेप कंपनी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान इनकी थी और
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं ये, भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री दिया है, पद्म विभूषण नहीं दिया है। ठीक है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित कथनों में असत्य कौन सा है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। मित्रों टाइम बहुत लगता है क्योंकि आप जानते हैं एसडीएम बनेंगे, प्री निकालिए, मेंस निकालिए, इंटरव्यू निकालिए, एसडीएम बनेंगे, तो भाई पेपर टफ है तो टाइम तो लगेगा ही। क्वेश्चन से आंसर्स कंक्लूज करके आप निकाल सकते हैं, पढ़ के आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सशस्त्र बलों के लिए मल्टी स्पेशलिटी कमांड हॉस्पिटल की मंजूरी प्रदान की गई है। ये आपसे दिसंबर 2022 की बात कर रहे हैं, हाँ की गई है। काशी तमिल संगम का समापन जो है 22 दिसंबर 2022 को आपके बीएचयू यानी वाराणसी में हुआ है, हाँ हुआ है। और दिया गया अंतर्राष्ट्रीय इनो रिले प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ में हुआ, हाँ हुआ था, ऐसा भी हुआ है। पूछा गया हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार की परिषद द्वारा जारी जो सामाजिक प्रगति रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है। मित्रों जो रिपोर्ट आई है उसमें जो यूपी को स्थान मिला है वो 31वें क्रम का है, 31वें क्रम का, पहला नहीं है। पहला आपका स्थान जो पाया है वो झारखंड पाया है, कौन सा, झारखंड पाया है। तो यहाँ सही जवाब जो है इसी के साथ लगा लो, यही असत्य है, तो सही जवाब डी के साथ बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 75 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। पूछा गया उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना का शुभारंभ कब किया गया। मित्रों जटिल क्वेश्चन है, 1 दिसंबर की बात हो रही है, 12 दिसंबर की बात हो रही है, 5 दिसंबर की बात हो रही है, 25 दिसंबर की बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने खेलों के उत्साह वर्धन के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना का प्रारंभ किया था, आप जानते होंगे, 1 दिसंबर को। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 76 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। पूछा गया निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रजातियां पर्यावरण परिवर्तन के लिए अत्यधिक संवेदनशील होती हैं। नाम दिया गया कीस्टोन प्रजाति, सांकेतिक प्रजाति, अम्ब्रेला प्रजाति या फिर फाउंडेशन प्रजाति। आपको बताना है कौन सी प्रजाति पर्यावरण सम्मेलन के लिए या पर्यावरण परिवर्तन के लिए ज़्यादा संवेदनशील है। अगर अधिक संवेदनशील की बात करते हैं तो सांकेतिक प्रजाति आपकी बढ़िया होती है। ठीक है, सही जवाब शी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 77 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे कम जैव विविधता और जैव भार वाला बायोम है। मित्रों आपको सही जवाब देना है, पर्णपाती बायोम है, टुंडा बायोम है, ट्रैगा बायोम है या फिर घासीय बायोम। आपको बताना है सबसे कम जैव विविधता, तो टुंड्रा वन बायोम है आपका। सही जवाब बी के साथ लगाना, याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। पूछा जा रहा है किस या किसी तालाब बायोम की खाद्य श्रृंखला का सही क्रम आपका क्या होगा। तालाब में अगर ऐसे बायोम पाए जाते हैं तो उसकी खाद्य श्रृंखला का बढ़िया वाला क्रम क्या है। तालाब में अगर खाद्य श्रृंखलाएँ सही पाई जाती हैं तो सबसे पहले तो आपका शैवाल होगा, उसके बाद मच्छर लावा होगा, उसके बाद ड्रैगन फ्लाई लावा होगा, उसके बाद मछली बनती है। तो सही जवाब जो है एक क्रम में लगा हुआ है, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लो। फिर बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। 79 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं, चार ऑप्शंस दिए गए, प्रदूषक और रोग के बारे में बताया जा रहा है। आप जानते हैं साइंस का बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। पूछा गया आपका नाइट्रेट, हाँ ब्लू बेबी सिंड्रोम बिल्कुल, फ्लोराइड, फ्लोरिसिस, आर्सेनिक, ब्लैंक फुट। लेकिन आप जब यहाँ सिलिकोसिस की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, सिलिकोसिस जो है ये सिलिका और एस्बेस्टास से धूलकरण से जो उत्पन्न होने वाला रोग होता है वो होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ना लगाइए, यही इसका सम्मिलित नहीं है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम में प्राणियों का मौसमी प्रवाह होता है। नाम दिया गया विषुवतीय बायोम, टैगा बायोम, मानसूनी बायोम या फिर टुंडा बायोम। कौन से प्रकार के बायोम में प्राणियों का मौसमी प्रभाव दिखाई देता है। मित्रों मौसमी प्रभाव की अगर बात करते हैं तो टैगा बायोम आपको दिखाई देना चाहिए। सही जवाब टैगा बायोम का साथ देना, सी इज द राइट आंसर। टैगा यानी कोणधारी वाला बायोम। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 81 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। मित्रों क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, मैं स्टार्टिंग में बोला हूँ सही सुमेलित नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन, हाँ सही है ये। क्लोरो फ्लोरो कार्बन ऑटोमोबाइल से निकलता है। अरे मित्रों क्लोरो फ्लोरो कार्बन मानव निर्मित गैसीय और द्रव्य पदार्थ हैं जो रेफ्रिजरेटर, आपके वातानुकूलित यंत्र, इन सब से निकलता है। ओजोन परत का आपका जो ओथरी वाला है इसका क्षरण करता है, तो यही आपका गलत हो गया। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड आपके धान में खेत में है, मीथेन भी धान के खेत में है, और सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे से निकलता है। तो आपको सही जवाब यहाँ बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा गया जैव उपचारक से तात्पर्य है, आपको दे दिया गया ऑप्शंस, जीवों की सहायता से पर्यावरण के विषैले पदार्थों का निष्कासन जो है जैव उपचारक होता है, तो यही आपका सही जवाब होगा, बाकी ऑप्शंस पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं।
आगे बात करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया गया मित्रों, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया था। भारत सरकार गठन करती है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, आप जानते हैं कि जो है गंगा प्राधिकरण 85 के आसपास जो है आता है, तो 1985 आंसर लगाना, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों, 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आंशिक अस्तब्ध परिजीवी का उदाहरण है। ओरोबैंकी है, चंदन है, लोरेंस है, या फिर अमर बेल है। आंशिक अस्तंभ परिजीवी, आंशिक अस्तंभ परिजीवी का उदाहरण कौन, तो सही जवाब बनेगा लोरेंथस। लोरेंथस सही जवाब बी के साथ लगाओ मित्रों, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पूर्ण मूल परिजीवी की अगर बात हो, ओरोबैंकी लगाना, ओरोबैंकी आपकी पूर्ण रूपेण है, पूर्ण मल परिजीवी है। आपको जो चंदन है मित्रों, ये आंशिक मूल परजीवी ये भी आता है, आंशिक अस्तंभ नहीं, आंशिक मूल वाला है, आंशिक मूल वाला है चंदन। ठीक है, और अमरबेल तो आप जानते हैं पूर्ण अस्तंभ परजीवी का उदाहरण आपका अमरबेल भी होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वपोषित यानी ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, नाम उत्पादक का है, परजीवी का है, घटक का और उपभोक्ता का, आपको बताना है किसे स्वपोषित कहा जाता है, स्वपोषित उत्पादक वाला है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ, 86 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, क्या पूछ रहा है आपसे मित्रों, 86 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि कथन कहा जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कौन सा कथन सही कौन सा कारण गलत है, ये आपको बताना है। पश्चिमी हिमालय की तुलना में पूर्वी हिमालय अधिक जैव विविधता पाई जाती है, हाँ बिल्कुल पूर्वी में ज़्यादा पाई जाती है। पूर्वी हिमालय की विषुवत रेखा के निकटता के कारण यहाँ अधिक वर्षा भी हुआ, हाँ ऐसा भी है, तो कथन और कारण दोनों सही है, कारण कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए सही जवाब फर्स्ट चार लगा लेना। आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 86 नंबर हो गया हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 87 नंबर का, 87 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस आधार पर जैव विविधता के हॉट स्पॉट को मान्यता प्रदान की जाती है, हॉट स्पॉट को मान्यता किस आधार पर प्रदान की जाती है मित्रों, तो सही जवाब बनेगा स्थानिकता भी है, जातीय बहुलता भी है, आसंकबोधता भी है, तो सही जवाब डी के साथ लगा लेना, सभी के साथ ऐसा होता है, तो डी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 88 नंबर, 88 नंबर क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्वेटो प्रोटोकॉल 1997 की बात कर रहे हैं और पूछा जा रहा है कथन सत्य नहीं है मित्रों, और फिर आपको बताना है। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर बात करते हैं तो आप जानते होंगे कि जो है कनाडा वाला होता है, कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित होता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, और ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये संबंधित होता है, तो 16 सितंबर को जो है आयोजित होता है। ठीक है, इसीलिए 16 सितंबर को आप जानते हो ओजोन दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर कहा गया। क्योटो प्रोटोकॉल पर संरक्षण संबंधित है नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और इसके साथ भूमंडलीय ताप से संबंधित है, यहाँ जो 1987 का क्रम दिया गया ये थोड़ा सा कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर तो हो जाए, लेकिन ये ग्रीन हाउस से उत्सर्जन में कमी और भूमंडल के ताप में कमी को लाने के लिए किया जाता है, भूमंडलीय ताप को कम करने से संबंधित केवल नहीं है, तो इसलिए इसका दोनों ऑप्शन से गलत हो जाएगा, दोनों मतलब एक और दो दोनों सत्य नहीं है, सही जवाब जो है सी के साथ देना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, नाम दिया गया संगठन इधर मुख्यालय है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, चारों ऑप्शन पढ़िए, आर्द्रभूमि अंतर्राष्ट्रीय नीदरलैंड में है, हाँ है, वन सुरक्षा सोसाइटी मुख्यालय ये कहाँ पे है, तो ये जिनेवा में नहीं है, ये न्यूयॉर्क में है, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, तो सही जवाब यही लगा लो, और एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, विश्व वन जीव कोष आपका ग्लैंडम में है, तो सही जवाब आपको बी के साथ देना होगा, यही आपका सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूछा गया मित्रों निम्नलिखित बाघ अभ्यारण और उनकी अवस्थिति के विषय में सही सुमेलित नहीं है, दिया गया नामोरी बाघ अभ्यारण अरुणाचल प्रदेश में है, भद्रा बाघ अभ्यारण कर्नाटका में है, और बोर बाघ अभ्यारण महाराष्ट्र में है, और जो है मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण आपका राजस्थान में है, आपको बताना है बाघ अभ्यारण कौन सा है जो अवस्थित विषय के साथ सुमेलित नहीं है, चारों ऑप्शंस देखना। नामोरी बाघ अभ्यारण की बात होगी तो नामोरी कहाँ पे है आपका, नामोरी बाघ अभ्यारण आपके जहाँ पे हेमंत विश्व शर्मा राज करते हैं यानी असम में है, असम ठीक है, कामाख्या देवी वाला असम, सही जवाब लगा लो मित्रों, फर्स्ट के साथ यही सुमेलित नहीं था, असम के साथ हो जाता सही हो जाता। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपके स्क्रीन पे है, क्या पूछा जा रहा है, वर्ष 2022 में भारत
को सर्वाधिक विप्रेषण किस देश से प्राप्त होता है? सऊदी अरब से, संयुक्त अरब अमीरात से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, या फिर सिंगापुर से? बहुत जटिल क्वेश्चनों का जो है समागम है, लेकिन मित्रों ऐसा क्वेश्चन आपको सेम सेम परीक्षा हाल में भी देखने को मिलेगा, इसलिए इनसे डरिएगा मत, इनकी उपयुक्त व्याख्याओं को भी देखिएगा। 2022 में भारत में सर्वाधिक विप्रेषण, तो संयुक्त राज्य अमेरिका लगाना, संयुक्त राज्य अमेरिका, बी के साथ आंसर्स लगाना मित्रों। आगे बढ़ेंगे, जो 92 नंबर क्वेश्चन है ये आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है वस्तु और सेवा कर जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है ये आपसे पूछा जा रहा है। दिया गया मित्रों, जीएसटी मूल्यवर्धन के प्रत्येक बिंदुओं से वसूला जाता है, हाँ बिल्कुल वसूला जाता है। IGST अंतर्राज्यीय व्यापार पर आरोपित किया जाता है, हाँ ऐसा होता है। IGST संबंधित राज्यों द्वारा आरोपित किया जाता है, ऐसा नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एक और दो होगा, फर्स्ट के साथ आंसर्स होगा, ए इज़ द राइट आंसर्स लगाना होगा। आप जानते होंगे IGST यानी एकीकृत वस्तु और सेवा कर। आगे बात करते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन आता है, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रुपये में गिरावट के लिए उत्तरदायी नहीं है। चार ऑप्शंस दिए गए, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो नहीं है। ईंधन की उच्च कीमतें गिरता है, उच्च मुद्रास्फीति गिरता है, लेकिन अगर विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का बढ़ जाए तो ऐसा नहीं है कि आपका रुपया गिर जाएगा। निम्न ब्याज दर पर भी गिरता है, लेकिन आपका विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से जो है थोड़ा सा मजबूती प्रदान होता है, ठीक है, तो रुपये बढ़ा देगा, कमजोर बनाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है 94 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान किसके द्वारा जारी किया जाता है? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको सही जवाब देना है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो स्टार्ट किया जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, याद रखना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आगे बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, खूब बढ़िया जटिल क्वेश्चंस आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। डिजिटल इंडिया के लिए कौन सा कथन असत्य है मित्रों? नाम दिया गया यह कार्यक्रम 2014 से प्रारंभ किया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 का है, कब का है, 2015 का। इसमें 9 स्तंभ बताए गए थे, ब्रॉडबैंड, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, यूनिवर्सल मोबाइल, सार्वजनिक इंटरनेट, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उसके साथ अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम, और दिया गया इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है मित्रों, तो इलेक्ट्रॉनिक और एडिया के द्वारा भी नहीं किया जाता है। और जो आपका इसमें कुल 10 स्तंभ हैं ये भी आपको बताना है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण, हाँ बिल्कुल सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है, ये सही बात है। यहाँ पे 10 स्तंभ हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे असत्य आपको बताना है। असत्य के लिए जो ऑप्शंस बनेगा एक और तीन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 9 होना चाहिए तो तीसरा इसलिए गलत हो गया, और 2015 में स्टार्ट होना चाहिए जिसे 2014 में कहा गया, तो यही आपका गलत है। बी इज द राइट आंसर्स लगाइए, बाकी बी ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन डील किया जाता है 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या पूछ रहा है मित्रों? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिया गया कृषि के लिए इनेम, कृषि के लिए इनेम दिया गया, सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, इनेम सही है। स्वास्थ्य के लिए SWAYAM स्वयं दिया गया मित्रों, स्वयं जो है ये डिजिटल इंडिया पहल के लिए शिक्षा से संबंधित है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, तो यही आपका जो है सुमेलित नहीं है। बाकी डिजिटल डिवाइस के लिए PMGDISHA है, और वित्तीय समावेशन के लिए PMJANDHAN आपका सही। तो स्वास्थ्य सेवा के लिए आप जो है स्वयं जो कह रहे हैं यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। डिजिटल इंडिया के शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इसका कार्यक्रम है, तो यही आपका गलत हो गया, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ, 97 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया भारत सरकार द्वारा जैव ईंधन पर राष्ट्रीय मिशन का प्रारंभ कब किया गया? 2005 में, 2014 में, 2009 में, या फिर 2019 में? जैव ईंधन पे जो राष्ट्रीय मिशन स्टार्ट होता है मित्रों वो 2009 में स्टार्ट होता है, और अटल बिहारी वाजपेयी नहीं आप पे जो मनमोहन सिंह जी हैं उनके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो सही जवाब बी के साथ आपको देना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, 98 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है, आपसे पूछा जा रहा है मित्रों भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाम दिया गया कोयम्बटूर में है, बेंगलुरु में है, चेन्नई में है, या फिर गुवाहाटी में है? भारतीय कॉफ़ी बोर्ड की बात की जा रही है, भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का जो मुख्यालय है मित्रों बेंगलुरु में है, सही जवाब जो है सी के साथ दिया जाएगा, सी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, 99 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, क्या पूछ रहा है? भारतीय नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है?
ऑप्शंस में दिया गया है। क्या क्या ऑप्शंस में है? नीति आयोग, हाँ बिल्कुल, सांख्यिकीय कार्यालय ऐसा नहीं है, इंस्टीट्यूट फॉर कंपटेटिव नेशंस। मित्रों आप याद रखना कि जो आपका भारतीय नवाचार सूचकांक होता है, भारतीय नवाचार सूचकांक, वो आपके इंस्टीट्यूट फॉर कंपटीटिवेंस के द्वारा जो है और उसके साथ नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। तो एक और दो सही है, तीसरा सॉरी एक और तीन सही है, दूसरा आपका गलत है, यानी सी आंसर आपका सही है, सी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा, भारतीय नवाचार सूचकांक। ठीक है, आगे बात करते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा जा रहा है किस अप्रत्याशित लाभ पर जनहित में लगाया गया कर क्या कहलाता है? अप्रत्याशित लाभ पर स्ट्रेटेजिक टैक्स है, पीपुल्स टैक्स है, इन्विटेंट टैक्स है, या फिर विंडफॉल टैक्स है। आपको सही जवाब देना है अप्रत्याशित लाभ पर जनहित में लगाया गया कर क्या कहलाता है, तो वो कर आपका विंडफॉल टैक्स कहलाता है। सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 101 नंबर है, पूछा गया निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, रोग और प्रभावित अंग आपके दिए गए हैं, इसमें से आपको सही जवाब देना है। आप देखना तो एक्जिमा आपका त्वचा वाला रोग होता है, ट्रैकोमा आपका आँखी पे होता है, डिफ्टेरिया आपका लीवर में होता है। अरे बाबू, डिफ्टेरिया से गला खराब होता है क्या? गला खराब होता है डिफ्टेरिया से, ठीक है, और जो रिकेटस है हड्डी से है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, सी के साथ आंसर्स लगा लेना, सी इज़ द राइट आंसर्स लगा लेना। आगे बात करते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन आता है, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? नाम रेडियो आयरन का है, रेडियो फास्फोरस का है, सोडियम का है, रेडियो सोडियम और रेडियो जो है सोडियम का नाम दिया गया, दो जगह रेडियो सोडियम आ गया है। तो इसके लिए आपको सही जवाब चाहे बी लगा लो मित्रों, चाहे डी लगा लो, सोडियम की जगह इसे कैल्शियम कर दो, कैल्शियम कर दो, फिर आप जो है सही जवाब बी के साथ लगा लो, सही जवाब बी के साथ लगा लो, रेडियो सोडियम जो है प्रवाह की गति को मापता है। तो सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, 103 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य नहीं दिखाई पड़ता है? हरा, लाल, नीला, पीला, आप जानते हैं मित्रों। विवज्योर में कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है? विवज्योर में आपका हरा रंग नहीं दिखाई देता है, VIVGYOR, इसमें आपका बैगनी आएगा, आसमानी आएगा, नीला आएगा, नीला के साथ हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो हरा रंग बीचों बीच में होता है और पूछा भी गया है मध्य में दिखाई देता है, तो मध्य में यानी बीचों बीच में, इधर से आप देखना, तीन इधर छः, बीच में जी, जी मतलब ग्रीन, तो ग्रीन यानी हरा में दिखाई देता है, बीचों बीच में दिखाई देता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बन जाएगा। आगे बात करते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है? टार्टरिक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है और रॉक्सैलिक अम्ल का बात किया गया। बेकिंग पाउडर में कौन सा अम्ल? तो मित्रों आप देखना, टार्टरिक अम्ल आपका आंसर बनेगा, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल बेकिंग पाउडर, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल आपका जो हम फोटो कॉपी करा के भेजते हैं डाटा, उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर है मित्रों, क्या पूछ रहा है आपसे? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है? वसा, ग्लाइकोजन, टोकोफेराल, अमीनो अम्ल। आपको बताना है मानव शरीर में संग्रहित नहीं है, मानव शरीर में संग्रहित क्या नहीं है? टोकोफेराल नहीं है। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, क्या बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, 106 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा, पूछा गया पक्षी और स्तनपाई जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाम दिया गया दोनों समतापी जीव हैं, दोनों चार्क अक्षीय हृदय वाले हैं, इसमें श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं, कौन सा कथन सत्य है मित्रों ये आपको बताना है। पक्षी और स्तनपाई जीवों के लिए जो सही ऑप्शंस बन रहा है वो समतापी भी होते हैं, चार कच्चे हृदय वाले भी होते हैं, श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर्स बना लो। ठीक है, आगे बात करते हैं, 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपसे क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से शैवाल का उपयोग है खाद्य पूरक के लिए, जैव ईंधन के लिए, ऑक्सीजन के लिए, कौन सा सही उत्तर दिया गया है? आपको यही आपको बताना है मित्रों। तो शैवाल का बढ़िया वाला उपयोग जो है खाद्य पूरक है, जैव उत्पादक है और ऑक्सीजन का उत्पादक है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया ऑस्टियोपोरोसिस किस हार्मोन्स की अधिकता के कारण होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन्स, थायमोनिसिस, मेलेटोनिन या फिर पैराथॉर्मोन। ऑस्टियोपोरोसिस की बात होती है, कौन से हार्मोन्स की अधिकता के कारण होता है? तो मित्रों याद रखना, पैराथॉर्मोन जब बढ़ जाता है तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग आपके इधर हो जाता है, हड्डियों में कैल्शियम, रक्त का मिल जाना
और हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाएं, वही आपका हो जाता है। तो सही जवाब जो है डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 109 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया कौन सा सत्य है, इसमें आपको बताना है शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जाता है। हाँ बिल्कुल, शुद्ध कार्बन को उच्च दाब और ताप पर उपचारित करके हीरा संश्लेषित किया जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, ऐसा दिया गया है। मित्रों आप जानते हैं हीरा अब तक का ज्ञान सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये तो जानते ही हैं। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक नहीं है, सुचालक है, तो सुचालक होना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन सही हो जाते, नहीं तो केवल एक लगा लो, फर्स्ट इज द राइट आंसर बना लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 110 नंबर क्वेश्चन सूची से दिया गया जटिल क्वेश्चन है मित्रों, आपको सही जवाब देना है। 110 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है आपसे कि सूची एक और सूची दो को सुमेलित कीजिए। सूची दिया गया है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। चार चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको सही जवाब देना है। प्रोटीन संश्लेषण की अगर बात होती है तो यह हरित लवक। आपके खनिज उद्धारण की बात होती है तो खनिज उद्धारण जैसे शब्द आए जीव द्रव्य कला के लिए, जीव द्रव्य कला के लिए। आपके श्वसन की बात होती है तो आपके श्वसन में सूत्रिका कणिका आती है, प्रकाश संश्लेषण राइबोसोम्स। तो सही जवाब मित्रों क्या बनेगा, सही जवाब 2 1 3 4, 2 1 3 4 मतलब फर्स्ट इज द राइट आंसर हो रहा है। तो सही जवाब ए के साथ आपको लगाना होगा, सही सुमेलित बनाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे है, क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं और कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। ऑप्शंस में दिया गया है अपकेंद्रीय बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी की ओर घूमता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण घूमता है, अपकेंद्रीय नहीं अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। और दूसरा दिया गया चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, हाँ ये सही है आपका, जो चंद्रमा का द्रव्यमान है पृथ्वी की अपेक्षा कम है। तो केवल दो सही है, केवल बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 112 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या पूछ रहा है मित्रों आपसे, कह रहा है एक्वारेजिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नाम दिया गया एक्वारेजिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, एक्वारेजिया के लिए पूछा जा रहा है। और सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल मिला लो तो अम्लराज होता है, हाँ होता है। या सोना गलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ऐसा भी होता है। प्रबल संक्षारक होता है, हाँ ऐसा होता है। तो बिल्कुल तीनों सही हैं, 3:1 के रेशियो में बनाया जाता है, 3:1 के, ठीक है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल जो है वो 1 का रेशियो होगा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल आपका जो है 1 का रेशियो होगा, और जो हाइड्रोलिक अम्ल आपका है वो 3 के रेशियो में होगा। तो हाइड्रोलिक को 3 मिलाओ, नाइट्रिक को 1 मिलाओ, आपका काम बन जाएगा। 3:1 में आप अम्लराज बना सकते हैं, डी के साथ आंसर बना लीजिएगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 113 नंबर क्वेश्चंस, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे या किनसे निर्मित तो होती है, आपको बताना है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति प्रोटीन की है, सेलुलोज की है, कार्बोहाइड्रेट की है, या फिर बी और सी की है। आप कोई बी और सी दोनों लगा ले तो गलत हो जाएगा, सेलुलोज ऑप्शंस लगाना, सी के साथ आंसर लगाना। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं मित्रों। कहा गया लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्ता की, तांबा की, चांदी की, या फिर इरिट्रियम की। आपको बताना है लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए कौन सा माध्यम, तो आप जस्ता लगाना, जस्ता की परत चढ़ा देना, काम आपका हो जाएगा। फर्स्ट साथ आंसर लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा बल्ब, बल्ब में रासायनिक दृष्टि से कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, या फिर नाइट्रोजन। आपको सही जवाब देना है बल्बों में, विद्युत के बल्बों में जो गैस भरी जाती है उसका नाम हीलियम होता है। तो सही जवाब हीलियम। अच्छा हीलियम, अरे हीलियम तो जो आपका एरोप्लेन उड़ता है उसके टायरों में भरा जाता है। मित्रों सबसे पहले बल्ब जलने के लिए आपके अंदर आर्गन होना चाहिए, आर्गन के साथ नाइट्रोजन अगर आप भर देते हैं तभी प्रकाश दिखाई देगा। तो सही जवाब डी के साथ लगाओ, बी के साथ लगाओ, बी के साथ लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ, ठीक है। आगे बात करते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, क्या पूछा गया, बहुत जटिल क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एंजाइम और कार्य का नाम दिया गया है, आपसे सही जवाब पूछा जा रहा है। आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन एंजाइम है, यह प्रोटीन को डाइपेप्टाइड में बदल देता है। लाइपेज की अगर बात होती है, स्टार्च का पाचन करता है, राइपेज,
अरे लाइपेज जो है वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसराल में परिवर्तित करता है। और आगे बात करें जो एमाइलेज है मित्रों, एमाइलेज ये वसा का पाचन करता है एमाइलेज, तो एमाइलेज जो है ये पॉलीसेकेराइड यानी स्टार्च का पाचन करता है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है आपको बताना है। जो उग्म है वो आपका केवल और केवल फर्स्ट है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, यह प्रोटीन को डायप्टिल में बदलता है। तो सही जवाब क्या लगाना होगा, केवल और केवल एक के साथ लगाना होगा, बाकी विकल्प गलत हैं। आगे बात करते हैं, 117 नंबर आता है। पूछा गया तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी घटना का उदाहरण माना जाता है या कौन सी घटना का कारण माना जाता है। तारे टिमटिमा रहे हैं तो मित्रों ये प्रकाश प्रकीर्णन है नहीं, अपवर्तन है हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं, प्रकाश का ध्रुवण है नहीं। तो सही जवाब जो है प्रकाश का परिवर्तन लगा लेना, ठीक है। क्या लगाओगे, परिवर्तन, वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन 118 नंबर है आपकी स्क्रीन पे। क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवी जैव उत्प्रेरक के रूप में या जैव उत्सर्जक के रूप में प्रयोग होता है। प्रोटोजोआ, विषाणु, साइनोबैक्टीरिया या फिर उपयोग में से कोई नहीं। कौन सा सूक्ष्म जीवी है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। जैव उर्वरक के रूप में साइनोबैक्टीरिया है, तो सही जवाब साइनोबैक्टीरिया लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा पादप है, नाम दिया गया बकव्हीट है, गोल्डन राइस है, ट्रिटिकेल है या फिर मैकरोनी व्हीट है। आपको बताना है कौन सा पादप है। मित्रों जब पादप की बात होती है तो गोल्डन राइस एक परजीवी या फिर ट्रांसजेनिक पादप माना जाता है। गोल्डन राइस आंसर लगाओ, सी के साथ आंसर्स बनाओ, विटामिन ए सबसे बढ़िया पाया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, 120 नंबर क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। दिया गया मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन, सही सुमेलित की बात होती है, सही सुमेलित हाँ, मयूर संरक्षण केंद्र तो आपके वृंदावन में है, जटायु संरक्षण केंद्र प्रजनन महाराजगंज में बनाया गया है हाँ, टॉय सिटी कानपुर और साइंस पार्क आपका हरदोई, साइंस पार्क हरदोई सही है, लेकिन जो टाई सिटी दिया गया है मित्रों ये नोएडा में है। कहाँ पे, नोएडा में, वो भी ग्रेटर नोएडा जो शब्द आता है नोएडा, ठीक है, तो नोएडा में। साइबर सिटी भी आपका कानपुर होता है, टॉय सिटी कानपुर नहीं है आपका, साइबर सिटी कानपुर होता है, साइबर सिटी, साइबर सिटी। आगे बात करते हैं, 121 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग और वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है, लखनऊ में है, आगरा में है, कानपुर में है या फिर गाजियाबाद में। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग और वाणिज्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित है। सही जवाब सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन मित्रों, अगला क्वेश्चन 122 नंबर है। क्या पूछ रहा है, कह रहा है उत्तर प्रदेश की जनजातियों में कौन सी बहु उत्सव बहु विवाह व्यवस्था को जो है आश्रित करती है। बहुक्षाना, राजी, जनसोरी या फिर कोरवा। आपको बताना यूपी की कौन सी जनजाति है जो बहुविवाह, बहुविवाह माने ज़्यादा विवाह करने वाली है, तो जनसोरी जनजाति, संयुक्त परिवार का प्रचलन होता है जनसोरी में, और जनसोरी में ऐसा काम होता है, ठीक है। बहुप्रथा है, बहुविवाह, पुरुष जो है प्रधान समाज होती है जिसमें परिवार का बड़ा भाई मुखिया होता है। सही जवाब जनसोरी समाज लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की 1888 में। 1888 की अगर बात होती है मित्रों, नाम दिया गया जॉर्ज गोपाल कृष्ण गोखले का, जवाहरलाल नेहरू का, विलियम बेंडरलैन का और जो है जॉर्ज यूले का नाम दिया गया है। आप जानते हैं इलाहाबाद में 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूल के द्वारा की गई थी। सही जवाब जो है डी के साथ बनता है, यही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और आप जानते हैं उमेश चंद्र बनर्जी के आग्रह पर इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। आगे बात करते हैं, 124 नंबर क्वेश्चन आता है। क्या पूछ रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश में गुजरात के डांडिया नृत्य की भांति कौन सा नृत्य आयोजित होता है। छोलिया, कार्तिकी, धोबनी या फिर पाई डंडा। आप जानते हैं डांडा नृत्य, डांडा नृत्य की भांति आपका पाई डंडा होता है, डांडिया की भांति। गुजरात का डांडिया बहुत फेमस है, यूपी स्पेशल में हमने जो है करवाया है, आपने देखा होगा। अगला क्वेश्चन 125 नंबर, मेला और स्थान के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नाम दिया गया देवी पाटन मेला गोंडा में है, सैयद सालार मेला बहराइच में है, कैलाश मेला आपके आगरा में है या फिर कपिल मेला आपका झांसी में है। कौन सा सही नहीं है मित्रों, तो आप जानते हैं जो आपका कौन सा मेला होगा, आपका जो कपिल मेला होगा, ये कपिल मेला, कपिल मेला, ये कपिल मेला 23वें तीर्थंकर विमलनाथ की यात्रा के लिए किया जाता है, ठीक है। कपिल मेला कहाँ पर मनाया जाता है, कपिल मेला उस स्थान पर मनाया जाता है जहाँ पर 13वें तीर्थंकर आए थे,
तो कांपिल मेला आपका झांसी वाला गलत हो गया, बाकी सभी सही लगे हुए हैं। सही जवाब डी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 26 यानी 126 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है 3 अप्रैल 2023 को भारत और श्रीलंका के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलनेक्स 2023 का 10वां संस्करण किस स्थान पे शुरू हुआ था? नाम कोलंबो का है, कोलकाता का है, विशाखापत्तनम का और चेन्नई का भी दिया गया है। श्रीलंका में मध्य जो है द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास की बात होती है, कोलंबो में शुरू हुआ है। सिलनेक्स जो है ये भारत और श्रीलंका के मध्य होता है, याद रखना। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाओ। 127 नंबर पे आओ। पूछा गया हाल ही में नासा ने चंद्र से मंगल, चंद्र से मंगल कार्यक्रम में पहले मुख्य रूप में किसे नियुक्ति दिया गया? नाम दिया गया एस चंद्रशेखरन राजू को, हेनरी लुकास एलिया को, जेम्स विलियम ओलिवर को और अमित क्षत्रिय को। आपको बताना है चंद्र से मंगल कार्यक्रम के पहले प्रमुख के रूप में, तो पहले प्रमुख के रूप में याद रखना अमित क्षत्रिय का नाम आएगा। सही जवाब जो है डी के साथ लगा लेना। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 128 नंबर क्वेश्चंस। करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा योगदान होता है, यूपीएस स्पेशल का करंट अफेयर्स मिलकर लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास आ जाते हैं, 45-50 क्वेश्चंस, ठीक है। और जनगणना भी हर बार आती है, 8 से 10 क्वेश्चंस, कभी 4-5 क्वेश्चंस, कभी कभी 10-12 क्वेश्चंस भी हो जाता है, जैसा जिसका दृश्य ऐसा इसका काम। अगला क्वेश्चन 128। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया? नाम राजस्थान का, हरियाणा का, पंजाब का और उत्तराखंड का है। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क के साथ काम करने लगा उस राज्य का नाम हरियाणा है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। 100% रेल नेटवर्क के साथ काम करता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 129 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है प्रोजेक्ट आकाश तीर, आकाश तीर निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय से संबंधित है? गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण मंत्रालय। प्रोजेक्ट आकाश तीर की अगर बात होती है मित्रों, प्रोजेक्ट आकाश तीर जो लॉन्च किया गया रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मंत्री। सही जवाब बनेंगे बी के साथ आपको आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन से मार्च 2023 में पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉमनवेल्थ 2023 का आयोजन कौन से शहर में किया गया? नाम लखनऊ का, गुरुग्राम का, नई दिल्ली का और हैदराबाद का दिया गया है। आपको सही जवाब लगाना है मित्रों। सही जवाब क्या बनेगा? जो ये आयोजन किया जा रहा है ये न्यू दिल्ली में किया जा रहा है, तो सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन आपका 131 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है मार्च 2023 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए ब्याज दर बढ़ा के कितनी कर दी है? ब्याज दर कितनी कर दी मित्रों? 8%, 8.25%, 8.15% या फिर 8.50%। तो कर्मचारी भविष्य निधि में जो वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए ब्याज दर बढ़ाई गई वो 5.15% हुई है। तो सही जवाब बी के साथ देना होगा। बी इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 132 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया आई एस एस एफ विश्व कप निशानेबाज चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज कौन है? नाम सरबजीत सिंह का है, रुद्रांश पाटिल का है, वरुण तोमल का है और मनु भास्कर का है। सही जवाब आपको क्या लगता है? सही जवाब सरबजोत सिंह का नाम लगाना। सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह, सरबजोत सिंह, ठीक है। भारत के सरबजोत सिंह ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में आपको जो है स्वर्ण पदक पे काम किया है। तो सही जवाब फर्स्ट हाल लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 133 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पूछा गया हाल ही में यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? डेनमार्क है, नीदरलैंड है, आइसलैंड है या फिर फिनलैंड है? दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल देश जो है आपका फिनलैंड होता है, याद रखना। फिनलैंड कई बार से टॉप पे चल रहा है लगातार। और जो भारत की बात होती है आप जानते हैं इसमें 146 देश प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें भारत जो खुशी के मामले में है 136वें नंबर पे है, यानी लास्ट से 10 लोगों से ऊपर है बस। आगे बात करते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन आता है। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? सविता पूनिया, रानी रामपाल, इंसिका चौधरी या फिर वंदना कटारिया? आपको बताना है हॉकी स्टेडियम रायबरेली वाला आप किसके नाम से जाना जाएगा, तो ये फिर रानी रामपाल के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश रायबरेली वाला जो लालगंज में स्थित है हॉकी स्टेडियम, अब जो है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ के नाम से जाना जाएगा। तो रानीज गर्ल्स हॉफी टॉन्क रानी रामपाल के नाम पे हुआ। सही जवाब शी के साथ लगा लेना।
अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस 135 नंबर है। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मार्च 2023 में इंस्टॉलेशन पब्लिकेशन इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किस भारतीय गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया? रघुराम राजन, सेरंग राजन, उर्जित पटेल या फिर शक्तिकांत दास? 2023 की बात होती है। इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंक्स ने किसी भारतीय गवर्नर जनरल को जो है गवर्नर ऑफ ईयर जो दिया जाता है वर्तमान गवर्नर को दिया जाता है, शक्तिकांत दास को दिया जाता है। सही जवाब डी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति देश कौन सा है? रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है या फिर ऑस्ट्रेलिया? भारत का सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता देश कौन सा है? मित्रों, सबसे ज़्यादा जो हथियार दिया जाता है रूस के द्वारा दिया जाता है। लगातार युद्ध में जो है रूस चल भी रहा है, लेकिन तब भी जो है रूस सबसे ज़्यादा हथियार देता है। इसके बाद कौन सा आता है? तो 2023 की रिपोर्ट है मित्रों, आप जानते हैं सऊदी अरब दूसरे नंबर पे आएगा। सऊदी अरब ये दूसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 137 नंबर आ गया। हाल ही में IQ एयर द्वारा जारी की गई वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित देश जो है प्रदूषित देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? नाम पांचवा है, आठवां है, सातवां है, ग्यारहवां है? मित्रों, आपसे पूछा गया एयर क्वालिटी का जो डिटेल्स दिया गया उसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत आठवें नंबर पर है, याद रखना, भारत आठवें नंबर पर है, यानी सी के साथ आंसर्स बनेगा। भारत आठवें नंबर पर है। 2022 में जारी होता है, 131 देश शामिल होते हैं, इसमें से भारत का जो नंबर है वो आठवां स्थान रहा है। ठीक है, और चांद, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश ये 2022 में पांच सबसे प्रदूषित देश हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 138 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में चर्चित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी को किस कंपनी ने विकसित किया? नाम दिया गया ओपन आई ने किया है, मेटा ने किया, गूगल ने किया या फिर ट्विटर ने किया? चैट जीटीपी को जो है किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जाता है? तो आपकी कंपनी है ओपन एक्स आई। ठीक है, ये सक्सर के रूप में जाना जाता है, याद रखना। सही जवाब फर्स्ट साल लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 मार्च 2023 को भारत के सी चेंजर्स क्लाइमेट पहल का अम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? नाम दिया गया ग्वारती गुलाटी का, नाम दिया गया श्रेयांश घोड़वाल का, स्नेही शाही का और हिता लखानी का भी नाम दिया गया है। आपको सही जवाब देना है। सही जवाब क्या आएगा मित्रों? मार्च 2023 की बात होती है, सी चेंजर्स क्लासमेट की बात होती है, तो इसमें जो है श्रेया घड़वाल का नाम आया है, जलवायु उद्यमी श्रेया घड़वाल 13 मार्च 2023 को सी चेंजर्स क्लाइमेट के लिए राजदूत के रूप में जानी गई। तो सही जवाब जो है ब्रांड एम्बेसडर के साथ लगाओ, श्रेया घोड़ावत इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ये नए देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कतर के, जॉर्डन के, इराक के या फिर यमन के? आपको बताना है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। मित्रों, नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है। अल थानी जो है नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, कहाँ के? कतर के। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मार्च 2023 में भारतीय सेना और फ्रांस की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? नाम पिथौरागढ़ उत्तराखंड का है, तिरुवनंतपुरम केरला का है, जैसलमेर राजस्थान का है, ग्वालियर मध्य प्रदेश का है? फ्रेंजेक्स 23 का जो आयोजन है मित्रों ये तिरुवनंतपुरम केरला में किया गया है। तिरुवनंतपुरम केरला लगाओ, सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। थल सेना के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 142 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है 6 मार्च 2023 को किसने भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक परीक्षक यानी CGA के रूप में यानी कैग के रूप में पदभार ग्रहण किया? राजीव महर्षि, शक्तिकांत राय,
ए एस दुबे, एफ एफ बी एन बनर्जी। आपको बताना 28वें महालेखा नियंत्रक परीक्षक कौन, तो एस एस दुबे को ऐसा काम मिला है। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, एस एस दुबे भारत के 28वें महालेखा परीक्षक बने हैं। महालेखा परीक्षक वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सही जवाब बी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 143 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रायसीना डायलॉग्स के 8वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन दिया गया है, इसमें से सत्य आपको बताना है। मित्रों कथन कई दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। 8वां रायसीना डायलॉग्स 2023 का आयोजन 2 से 4 मार्च 2023 के मध्य नई दिल्ली में हुआ। हाँ हुआ है। इटली के प्रधानमंत्री जियो जिर्रिया मोलानी ने 8वें रायसीना डायलॉग्स के मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई। तो इटली के प्रधानमंत्री ने मुहाई थी बिल्कुल। वर्ष 2023 के लिए रायसीना डायलॉग्स की थीम जो है वो प्रविकेंसन्स, अनिश्चितता, ट्रूबुलेंस और लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट था। हाँ बिल्कुल था, ऐसे ही कुछ डायलॉग दिखाई देता है, ऐसा हमें कुछ कुछ याद आ रहा है। तो सही जवाब 1, 2, 3 लगा लो। सही जवाब डी के साथ बना लो मित्रों, डी इज द राइट आंसर बनेगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 मार्च 2023 को G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कौन से शहर में किया गया। जयपुर, नई दिल्ली, हैदराबाद, ग्रेटर नोएडा। आपको बताना विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में हुई। सही जवाब सी के साथ बनेगा। 40 देशों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पे जो है हिस्सा लिया है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 मार्च 2023 को निम्नलिखित में से किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा यू ट्रिपल गार्डन को जनता के लिए खोल दिया गया। ट्रूलिप 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 गार्डन 19 मार्च 2023 को कहाँ पर खोला गया जनता के लिए। उत्तरकाशी, उत्तराखंड, डलहौजी, हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम। आपको सही जवाब देना मित्रों। सही जवाब आपका श्रीनगर वाला बनेगा, जे एंड के वाला बनेगा। सही जवाब ट्रूलिप गार्डन कहाँ पर है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में। वी के साथ आंसर लगाओ, वी इज द राइट आंसर लगाओ। 15 लाख से ज़्यादा फूल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे देखने को, 15 लाख से ज़्यादा फूल। आगे बात करते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 18-19 मार्च 2023 को मध्य ग्लोबल मिलेट्स सम्मेलन श्री अन्न 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पे किया गया। नाम जयपुर का है, हैदराबाद का, नई दिल्ली और भोपाल का भी दिया गया। आपको सही जवाब देना है मित्रों। सही जवाब आपको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली लगाना होगा। सही जवाब बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। इस पर एक डाक टिकट और उसके साथ एक सिक्का भी जारी किया गया। आगे बात करते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन आता है, 20-21 फरवरी 2023 के मध्य 17वें इंडियन डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस स्थान पे किया गया। नाम दिया गया नई दिल्ली में किया गया, बेंगलुरु में किया गया, इंदौर में किया गया, फिर ग्रेटर नोएडा में किया गया है। सही जवाब क्या होगा मित्रों, 17वें इंडियन डिजिटल शिखर सम्मेलन 2023 न्यू दिल्ली में आयोजित होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, अमृतकाल डिजिटल इंडिया एट द रेट 100। सही जवाब क्या है, फर्स्ट के साथ है। आगे बात करते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है, 20-26 दिसंबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय वन मेला 2022 का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया। आगरा, हैदरा, भोपाल और हरिद्वार का नाम दिया गया। आपको सही जवाब देना है मित्रों। आप जानते हैं लघु वनोपज से आत्मनिर्भरता जिसकी थीम रही हो, भोपाल से स्टार्ट होता है, एमपी मध्य प्रदेश से स्टार्ट है। सही जवाब वी के साथ लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। आपसे क्या पूछ रहा है, मार्च 2023 में टाइम पत्रिका द्वारा जारी विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हुए। 2 स्थल, 4 स्थल, 3 स्थल या फिर 5 स्थल। मित्रों आप जानते हैं भारत के जो 2 स्थल शामिल हुए हैं वो 2 स्थल कौन कौन से हैं। पहला तो आपका कौन सा आएगा, आप जानते हैं लद्दाख वाला आएगा, लद्दाख, और दूसरा आपका आएगा मयूरभंज। मयूरभंज मयूरभंज कहाँ पड़ता है, आपका उड़ीसा वाला बेल्ट होता है। ठीक है, तो मयूरभंज उड़ीसा, उड़ीसा। आगे बात करते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चंस इस क्लास का पूछा गया, 31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त किया। नाम 80वां है, 87वां है, नाम 85वां है और 91वां है। आपको सही जवाब देना है। सही जवाब की बात करते हैं, 85वां रैंक मिला है भारत को, याद रखना। सही जवाब जो है 85वां है। इस सूचकांक में अंतिम स्थान जो है सोमालिया को मिला है, सोमालिया, सोमालिया, सोमालिया। और शीर्ष स्थान किसे मिला मित्रों, शीर्ष वाले पे डेनमार्क का भी है, डेनमार्क का भी है। तो इस टाइप से हम लोग मॉडल पेपर 2 कंप्लीट करते हैं। मॉडल पेपर
दो आपका, जिसे हम लोग प्रैक्टिस पेपर भी कह सकते हैं या पीटी का पेपर कह सकते हैं या फिर जीएस का मॉडल पेपर कह सकते हैं, इस टाइप से कंप्लीट होता है। आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ सही गए कमेंट के माध्यम से जरूर छापिएगा। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट, जय हिंद।